थोड़े तो उसका दिख किए ही क्लास के बाद गुड इवनिंग एवरीवन। हेलो सुनीत, मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, आप कैसे हो जी? सोनल गुड अप, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। सब लोग जल्दी से कनेक्ट हो जाइए। उपेंद्र, विनीत, गुड इवनिंग भाई। शायद सब लोग कनेक्ट हो चुके हैं, आई थिंक सब लोग कनेक्ट हो चुके हैं। करें स्टार्ट। लास्ट क्लास तक जो भी हम लोगों ने बात की थी, वो हम लोगों ने अल्डोहोल कंडेंसेशन के बारे में बातें कर ली थी। शायद आप लोगों को सारी चीज़ें चमक गई होंगी, अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ठीक है, आज जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वो अल्डोहोल रिएक्शन की बात करेंगे, अल्डोहोल कंडेंसेशन की बात नहीं करेंगे। कहने का मतलब क्या है, अगर मान लीजिए कि आपकी अल्डोहोल रिएक्शन हो रही है और उसमें जब रिएक्शन होगी तो दो पॉइंट जो आपके हैं उनके ऊपर अगर अनसिमेट्रिकल इन्वायरमेंट आ जाए, डिफरेंट ग्रुप्स आ जाएं, तो फिर स्पेस में उनकी ओरिएंटेशंस कैसी होंगी, अरेंजमेंट्स कैसे रहेंगे, वो अरेंजमेंट हमें क्या करने हैं, आज डिस्कस करने हैं। ठीक है, तो जरा आज बात करेंगे किसकी, रिएक्शन के बारे में। जनरली इस रिएक्शन में आपके पास में क्या होगा, मान लीजिए जो सेंटर आएंगे उनकी स्टीरियो कैसी होगी, उसको पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके लिए आपको इनोलेट की भी स्टीरियो का क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। ठीक है, तो आइए देर नहीं करते हैं, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। कंडेंसेशन हो जाएगा फिर डबल बोन आ जाएगा, उसके बाद कोई मतलब नहीं रह जाता है। ठीक है, इसलिए कंडेंसेशन होने से पहले की चीजें पूछता है नेट कभी कभी स्टीरियो से रिलेटेड। ठीक है, जरा बोर्ड पे देखिएगा, हम लोग आज जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो अल्डोहोल कंडेंसेशन में, सॉरी अल्डोहोल रिएक्शन में, रिएक्शन की स्टीरियो के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिएगा अच्छे से, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए, अगर कभी भी आपके पास में कोई भी कीटोन गिवन है या फिर आपके पास में कोई भी एल्डिहाइड गिवन है, तो उसे जनरेट होने वाला जो इनोलेट होगा वो ई होगा या फिर वो जेड रहा होगा। ठीक है, जरा मैं बनाता हूं। मान लीजिए कि आपके पास में कुछ इस टाइप का कंपाउंड गिवन है, सी डबल बॉन्ड हो, यहां पे ये वाला कंपाउंड आपको गिवन है। ठीक है, इसके ऊपर आपने क्या डाल दिया, एलडीए डाला। ठीक है, एलडीए माइनस 78 डिग्री सेंटीग्रेड और इसमें टीएचएफ आपने ले लिया। जब आप लेंगे तो इस पोर्शन के ऊपर आपके पास में क्या रहा होगा, हाइड्रोजन रहा होगा, एलडीए आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, इस वाले प्रोटॉन को पकड़ेगा और जैसे ही प्रोटॉन को पकड़ेगा आपके पास में बनने वाला जो इनोलेट होगा वो कुछ इस टाइप से दिखाई देगा। इस पोर्शन के ऊपर डबल बॉन्ड आ जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव आ जाएगा, जैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी। अब देखो यहाँ पे जो आपका मेथिल है, ये वाला जो मेथिल है, अब इस मेथिल की हमें स्टीरियो नहीं पता है, ये वाली आपकी ई भी हो सकती है या फिर ये आपका जेड भी हो सकता है। कहने का मतलब क्या है, जरा बोर्ड पे देखिएगा, इसके पास में एल आई क्या पड़ा होगा, पॉजिटिव पड़ा होगा। सुनिएगा एक मिनट के लिए, मैं दोनों फॉर्म बना देता हूं। मान लीजिए एक बार सी एच थ्री ऊपर की तरफ लगा हुआ है और सेकेंड टाइम पे हम लोगों ने क्या किया, यही लिया, यहाँ पे O नेगेटिव लिया, इस पोर्शन के ऊपर डबल बॉन्ड था और CH3 नीचे की तरफ लगा हुआ है, ये दो कंडीशनें बनेंगी। आपको हमेशा एक बात का ध्यान रखना है, अगर आप कभी भी इनोलेट के केस में अगर E या Z, अगर इनोलेट के केस में अगर E या Z की बात करेंगे, लेक्चर कॉन्टिन्यूस में, पता नहीं मेरे को ध्यान नहीं कौन सा लेक्चर है। ठीक है, देखना कभी भी आप कॉन्टिन्यूस में चलेंगे, कभी भी आप किसकी बात करेंगे, इनोलेट की बात करेंगे, तो इनोलेट के केस में इस वाले सेंटर को आपको ऑलवेज वन देना है। ठीक है,
चाहे इस सबस्ट्रेंट के ऊपर ओएमई लगाओ या कुछ भी लगाओ, आपको इस वाले को वन देना है और इसके हिसाब से बगल वाले सेंटर को चेक कर लेना है। अगर इसके ऊपर यहाँ पे मेथिल वन वन सेम साइड है, इसका मतलब ये कैसा हो जाएगा, जेड हो जाएगा। अगर इस केस में बात की जाए तो यहाँ पे एल आई पॉजिटिव पड़ा होगा, ये वाला वन होगा क्योंकि ऑक्सीजन आ रहा है डायरेक्ट और यहाँ पे क्या आ रहा है, कार्बन आ रहा है। तो फिर यहाँ पे आपके पास में क्या रहा होगा, हाइड्रोजन रहा होगा। तो ये वन तो ये टू होगा और इसमें ये फर्स्ट होगा और ये टू होगा। तो इस केस में वन वन कैसे है, ऑपोजिट है, तो फिर इसको हम लोग क्या बोल देंगे, इनोलेट बोल देंगे। अगर यहाँ पे स्टीरियो की बात की जाए कि कौन सा वाला ज्यादा स्टेबल होगा, आइए उसी को हम लोग डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बोर्ड पे देखिएगा। अगर मैं ऐसा बोलता हूं कि आपने क्या लिया कुछ इस टाइप से, मैं एक जर्नल एल्डिहाइड आपके साथ में लेके चल रहा हूं और उसके बेसिस पे हम लोग जर्नल कीटोन लेके चल रहा हूं, उसके बेसिस पे हम लोग डिफाइन करेंगे। ये मान लीजिए कि आपके पास में ऐसा कंपाउंड है और यहाँ पे आपके पास में कोई एक आर ग्रुप लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, आर ग्रुप लगा हुआ है। जरा अच्छे से सोच के बताना मेरे को कि इस कंपाउंड में यहाँ पे आपके पास में एक वेज के ऊपर हाइड्रोजन ना होगा, एक डैश के ऊपर हाइड्रोजन ना होगा। वो स्टीरियो की कहानियां याद करो जिनमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इसकी कौन सी वाली फॉर्म ज्यादा स्टेबल होंगी। तो देखो आप लोगों, हम लोगों ने जो स्टीरियो में डिस्कस किया था, कोई भी आपको कीटोन दे रखा है या आपको एल्डिहाइड दे रखा है, तो उसके केस में आपकी इक्लिस्ड फॉर्म जो होती है वो ज्यादा स्टेबल होती है इन कंपेरिजन ऑफ बाइसेक्टेड के। किसके, बाइसेक्टेड के। इसलिए देखो एक बार मेथिल इस वाली पोजीशन पे आए और दूसरे केस में मेथिल नीचे आए, इसलिए इक्लिस्ड फॉर्म को हम लोगों ने ज्यादा स्टेबल बोला था। शायद आप लोगों को ये बातें याद रही होंगी। ठीक है, तो ये वाली फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगी। एक तो फॉर्म ये वाली हो सकती है और दूसरी फॉर्म आपके पास में कौन सी हो सकती है। अगर सेकेंड फॉर्म की बात की जाए तो ये कंपाउंड दूसरी फॉर्म में जो एग्जिस्ट करेगा वो कुछ इस टाइप से हो सकती है। इसमें डबल बॉन्ड और आओ, यहाँ पे वेज के ऊपर मेथिल आ जाए, वेज के ऊपर मेथिल आ जाए और प्लेन में क्या आ जाए, हाइड्रोजन आ जाए और डैश के ऊपर क्या पड़ाओ, हाइड्रोजन पड़ाओ। सेकंड फॉर्म जो बनेगी वो ये वाली बनेगी। इन फॉर्म्स में हम लोगों ने क्या बोला था, देखो ऐसे मैंने ड्रॉ करके दिखाया था, ये सिंगल बॉन्ड है, इस पोजीशन के ऊपर डबल बॉन्ड है, यहाँ पे अगर आपके पास में आर ग्रुप है तो फिर यहाँ पे आपके पास में हाइड्रोजन होगा। इस पोजीशन के ऊपर आपने जब मेथिल लिया था CH3 को लिया था और डैश के ऊपर क्या लिया था, हाइड्रोजन को लिया था। तो ये वाला जो मेथिल था और इस वाले आर ग्रुप के अंदर रिपल्शन होने की वजह से ये मेथिल यहाँ पे स्टेबल ना होके इस वाली पोजीशन के ऊपर चला जाता था। ये हम लोगों ने स्टीरियो के केस में डिस्कस किया था। एक मिनट रुकना है। देखो यहाँ पे क्या होगा, ये वाली फॉर्म में हम लोगों ने क्या बोला था, A1.3 स्ट्रेन होने की वजह से इसकी कौन सी वाली फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगी, ये वाली फॉर्म जो होगी वो मोर स्टेबल होगी। ठीक है, तो इन दोनों में से कौन सी फॉर्म ज्यादा स्टेबल है, आपका कोई भी एल्डिहाइड या कोई भी अगर आपका कीटोन गिवन होगा उनमें जनरली ये वाली फॉर्म्स क्या होंगी, ज्यादा स्टेबल होंगी। तो देखो जब कभी भी ये एल्डिहाइड के साथ में रिएक्शन करने जाएगा, ये स्टीरियो की बातें मैंने कंप्लीट डिटेल में करवा रखी हैं। ठीक है, अब बातों को समझिएगा। अगर मैं इसको कुछ इस टाइप से बना देता हूं कि इस पोजीशन के ऊपर आपके पास में क्या लगा हुआ है, कुछ इस टाइप से डबल बॉन्ड ओ लगा हुआ है, ये लीजिए डबल बॉन्ड ओ लगा दिया, इस पोजीशन के ऊपर आपने सिंगल बॉन्ड बनाया, फिर से देखिएगा इस पोजीशन पे हम लोगों ने आर ग्रुप लगा दिया, इस पोजीशन के ऊपर हम लोगों ने सिंगल बॉन्ड बनाया, इसमें एक हम लोगों ने ऊपर की तरफ क्या बना दिया है, मेथिल बना दिया है, एक हाइड्रोजन कुछ इस टाइप से आ रहा है वेज के ऊपर, मतलब इस तरफ हाइड्रोजन आ रहा है, और एक हाइड्रोजन आपका डैश पे आ रहा है जो पीछे की तरफ जा रहा है। अब इसके साथ में एलडीए क्या करने आएगा, इंटरेक्ट करने आएगा, और जब एलडीए इंटरेक्ट करने आएगा तो एलडीए में लिथियम होगा और जो लिथियम होगा वो इसके ऑक्सीजन के साथ में क्या दिखाएगा, इंटरेक्शन दिखाएगा। मैं समझा रहा हूं फिर शॉर्टकट भी बताऊंगा, ठीक है देखना एक बार। अगर यहाँ पे बात की जाए तो ये एलडीए में नाइट्रोजन होगा और इसके पास में क्या होगा, कुछ इस टाइप से आइसो आपके पास में प्रोपाइल ग्रुप्स लगे होंगे। तो जब कभी भी आपका कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन होगा उसके साथ में जब आपका एलडीए रिएक्शन करने आएगा तो हमेशा एक सिक्स मेंबर्ड कंसर्टेड ट्रांजिशन स्टेट का क्या करता है, कंसर्टेड ट्रांजिशन स्टेट का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है।
और उस कंसंट्रेटेड ट्रांजिशन स्टेट की वजह से यहाँ पे जो हमें ट्रीज जो होती हैं वो डिसाइड की जाती हैं। पहली फॉर्म आपकी ये वाली हो सकती है और दूसरी फॉर्म आपकी कौन सी हो सकती है, जरा फिर से देखें, इस वाले से और बनाते हैं एक बार, जिसमें देखो एक बार तो हम लोगों ने सी एस थ्री को ऑक्सीजन के पैरल ले लिया, सी डबल बॉन्ड और सी एस थ्री को ले लिया, और दूसरे केस में मैं ऐसे बना लेता हूं कि ये आपका डबल बॉन्ड ओ था, यहां पे आपसे क्या लगा हुआ है आर ग्रुप लगा हुआ है, इस पोर्शन पे आपके पास में वेज के ऊपर मेथिल लगा हुआ है और यहाँ पे ऊपर की तरफ हाइड्रोजन पड़ा हुआ है और डैश के ऊपर कौन है हाइड्रोजन है, ठीक है। एक ये वाली फॉर्म है, इसके साथ में भी कौन आया लिथियम आपका कौन सा इनोलेट वाला सॉरी एलडीए वाला लिथियम आया, ये नाइट्रोजन था, इसके पास में आइसोप्रोपाइल ग्रुप था और आइसोप्रोपाइल ग्रुप था, ये कुछ इंटरेक्शंस करने आया है इसके साथ में, समझना बहुत ही ज्यादा अंडरस्टैंडिंग चाहिए इसमें, आपको सोचना पड़ेंगे बहुत सारी चीजें सोचनी पड़ेंगी, तो पूरा अच्छे से ध्यान लगाए रखना, ठीक है। देखना इन दोनों फॉर्म में हम लोग क्या करेंगे, जब देखना यहां से ये लीजिए एलडीए का, एलडीए के पास में क्या था इस वाले बॉन्ड में जो आपका नाइट्रोजन का और जो एलआई का बॉन्ड होता है उसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन आगे क्या करेंगे इस वाले हाइड्रोजन को पकड़ेंगे, और जब इस वाले हाइड्रोजन को पकड़ेंगे तो इसमें जो सी एच बॉन्ड के अंदर जो टू इलेक्ट्रॉन्स रहे होंगे वो आगे खिसकेंगे, वो आगे खिसकेंगे तो फिर जो ये आपका पाई बॉन्ड होगा वो आगे लिथियम को पकड़ने लग जाएगा, तो कुछ इस टाइप से सिक्स मेंबर्ड क्या चलेगी कंसर्टेड ट्रांजिशन स्टेट चलेगी। इसमें भी क्या होगा इस बॉन्ड के अंदर आपके पास में टू इलेक्ट्रॉन्स रहे होंगे, ये इसको पकड़ेगा, फिर से इस बॉन्ड के अंदर टू इलेक्ट्रॉन्स रहे होंगे आगे बढ़ेंगे और ये यहां से क्या पकड़ने लग जाएगा लिथियम को पकड़ने लग जाएगा। जब ये कंसर्टेड ट्रांजिशन स्टेट चलेगी ना तो उसके बाद में होगा क्या देखिएगा, मैं अगले पेज में बना रहा हूं दिखा रहा हूं आपको, ठीक है देखिएगा अच्छे से, देखना अगर यहां से ये चला होगा तो उन कंडीशंस में आपके पास में ट्रांजिशन स्टेट जो बनती हुई दिखाई देगी वो सिक्स मेंबर दिखाई देगी, यहां पे आपका ऑक्सीजन था, इस पोर्शन के ऊपर आपका आर ग्रुप लगा हुआ था, कुछ इस टाइप से ये वाला सिंगल बॉन्ड था, इस सी एच थ्री में कोई चेंज नहीं है, सी एच थ्री को हम लोगों ने एज इट इज रख दिया है, फिर से देखो यहाँ पे आपका क्या था एक वेज की तरफ आगे की तरफ क्या निकला हुआ है हाइड्रोजन निकला हुआ है, फिर से डैश वाला हाइड्रोजन, ये वाला जो हाइड्रोजन होगा यहां से इस हाइड्रोजन की बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही होगी, फिर से इसके साथ में लिथियम इंटरेक्शन दिखा रहा है, यहाँ पे आपका सॉलिड बॉन्ड बनता हुआ दिखाई देगा लिथियम के साथ में, मतलब यहां से बॉन्ड का क्या होगा आपका फॉर्मेशंस हो रहे होंगे, ये बॉन्ड के फॉर्मेशंस हो रहे होंगे, फिर से देखना ये वाले इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट हो रहे हैं तो यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा होगा, ये वाला बॉन्ड टूट रहा है तो इस बॉन्ड की क्या हो रही होगी ब्रेकिंग हो रही होगी, फिर से आगे कौन लगा हुआ था नाइट्रोजन लगा हुआ था एलडीए वाला, देखिएगा एलडीए का जो नाइट्रोजन था उसके साथ में इसकी क्या होंगी ब्रेकिंग हो रही होंगी, फिर से नाइट्रोजन था और यहाँ पे कुछ इस टाइप से था और ये कुछ इस टाइप से लगा हुआ था हाइड्रोजन के साथ में इसका बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा होगा, तो ऐसी आपके पास में एक सिक्स मेंबर्ड कंसर्टेड ट्रांजिशन स्टेट बनती है। इस कंसर्टेड ट्रांजिशन स्टेट में आपको दो बातें चेक करनी पड़ेंगी, पहली बात कौन सी चेक करनी पड़ेगी जरा अच्छे से देखिएगा क्योंकि मैं फिर दूसरे की नहीं बना रहा हूं, मैं एक ही से समझा रहा हूं, देखिएगा इस केस में आपके पास में जो मेथिल है ये वाला जो मेथिल है और इसमें जो एक्सियल के ऊपर ये आपके पास में एक चेयर बनती हुई दिखाई दे रही है तो इसमें एक्सियल के ऊपर मेथिल दिखाई दे रहा है और इसमें एक्सियल के ऊपर आइसोप्रोपाइल ग्रुप दिखाई दे रहा है, अगर ये दोनों अगर एक्सियली लगे होंगे तो फिर इनके बीच में क्या होगा रिपल्शंस होंगे और ऐसे रिपल्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं 1.3 डाई एक्सियल इंटरेक्शंस बोलते हैं, बोलो यार ऐसे इंटरेक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं 1.3 डाई एक्सियल इंटरेक्शंस बोलेंगे, तो जब इस वाले की बात करेंगे तो इसके अंदर 1.3 डाई एक्सियल इंटरेक्शंस होंगे, लेकिन आप अगर इस वाली फॉर्म में आते हैं तो इस वाली फॉर्म में आपको क्या दिखाई देगा आपको ऐसा दिखाई देगा, कोई नया कलर लेता हूं मैं, देखना यहां पे तो जी हाइड्रोजन था और इसके ऊपर ऊपर क्या था आपके पास में आइसोप्रोपाइल ग्रुप था, हाइड्रोजन जो होता है वो रिपल्शन नहीं करता मतलब कम रिपल्शन करेगा मेथिल के कंपैरिजन में,
तो यहाँ पे जो लगने वाला जो डाई एक्सियल इंटरेक्शन 1.3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन का जो एक्सटेंट होगा वो कम होगा, और इस पोजिशन पे वो एक्सटेंट जो होगा वो बहुत हाई होगा। लेकिन इस कंडीशन में आपको क्या दिखाई देगा कि ये जो आपका आर ग्रुप है और ये जो मेथिल है वो एक दूसरे के साथ में क्या दिखाएंगे, रिपल्शन दिखाएंगे, क्योंकि यहां पे आर के साथ में क्या था, एच था, इसलिए कोई रिपल्शन नहीं हो रहा था। अगर ये दोनों रिपल्शन दिखाएंगे तो फिर यहां पे बोला जाता है, इसको बोला जाता है आपको A1.3 स्ट्रेन, अलाइलिक 1.3 स्ट्रेन इसको बोला जाता है। तो दोनों में क्या लगता है, स्ट्रेन लगता है। अगर आप कौन सी वाली फॉर्म को, इस वाली फॉर्म की बात करोगे तो इसमें A1.3 स्ट्रेन डोमिनेट करता है, और जब आप इस वाली फॉर्म में बात करते हैं तो इस केस में आपका कौन सा 1.3 डायएक्सियल इंटरेक्शंस डोमिनेट करते हैं। तो जिसमें मान लो कि अगर मैं ऐसा बोलता हूं कि मेरे पास में एक ही कंपाउंड है, तो जब वो एक कंपाउंड दो ट्रांजिशन स्टेट बनाने की कोशिश करेगा तो एक का एक्सटेंट पक्का ही ज्यादा होगा, क्या तो 1.3 डायएक्सियल इंटरेक्शंस ज्यादा होंगे या फिर A1.3 स्ट्रेन ज्यादा होगा। तो जो ज्यादा होगा वो नहीं बनेगा, उसके अपोजिट वाला बनेगा। अब देखिएगा, इसको देखते हुए आप यहां से इनोलेट बनाइए, इसको देखते हुए इनोलेट बनाइए, तो यहां से जो आपका इनोलेट बनता हुआ दिखाई देगा वो कैसा होगा, देख रहा, ऑक्सीजन था, इसके साथ में Li आ चुका है, तो ऑक्सीजन के ऊपर Li आ चुका है, ठीक है। दूसरा, इस पोर्शन के ऊपर डबल बॉन्ड बन चुका है, इसका मतलब यहां पे डबल बॉन्ड बन चुका है। इस पोर्शन के ऊपर R ग्रुप था, R बना दे, ऊपर की तरफ मेथिल लगा हुआ है, ऊपर की तरफ मेथिल लगा दे, और नीचे क्या लगा देते हैं हम लोग, हाइड्रोजन लगा देते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन लगा दिया, ये आपकी पॉसिबिलिटी होगी। अब देखिएगा दूसरे केस में, जब आप इससे इनोलेट बनाने जाओगे तो इससे जो आपका इनोलेट बनेगा उसमें ये वाला बोन टूट रहा है, ये लिथियम को पकड़ रहा है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर लिथियम आ जाएगा, नीचे जो आर ग्रुप था वो आर ग्रुप बना दें, फिर से सिंगल बोन बनाए। अब देखो ये वाले इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ पे आ रहे हैं, इसका मतलब इस पोर्शन के ऊपर डबल बोन आ जाएगा, और इस पोर्शन के ऊपर मेथिल था, मेथिल लगा दें, और इस पोर्शन के ऊपर क्या था, हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन लगा दें। तो देखो यहाँ पे आपके पास में दो इनोलेट जनरेट हो रहे हैं। अगर आप इस वाले इनोलेट की बात करते हैं तो OLi के जस्ट अपोजिट में मेथिल जा रहा है, इसका मतलब इसका नेचर कैसा होगा, सॉरी E होगा, इसका नेचर कैसा होगा, E होगा, 1-1 अपोजिट है, ये 1 है, इस सेंटर के ऊपर ये वाला 1 है। अगर आप इसमें चेक करते हैं तो OLi के सेम साइड यहाँ पे CH3 आ रहा है, 1-1 सेम साइड है, इसका मतलब ये कैसा हो जाएगा, जेड हो जाएगा। अब सारी कहानियां जो होती है कि ई बनेगा या जेड बनेगा क्या नहीं बनेगा, वो डिसाइड करेगा ये आर ग्रुप। आपका जो आर ग्रुप बोलेगा वही बनेगा। अगर आर ग्रुप बल्कि नहीं होगा, ध्यान से सुनिएगा, अगर आर ग्रुप बल्कि नहीं होगा तो फिर यहाँ पे सी, ये वाला जो सी एच थ्री है वो इजिली यहाँ पे आके रह सकता है। अगर इजिली यहाँ पे आके रह सकता है तो अगर आर अगर कैसे होंगे, ये वाला जो आर ग्रुप अगर कैसा रहा होगा, नॉन बल्कि रहा होगा, कैसा रहा होगा, नॉन बल्कि रहा होगा, तो ई ज्यादा बनेंगे। और अगर आर ग्रुप अगर बहुत ज्यादा बल्कि हुआ तो फिर यहां पे रिपल्शन लगने की वजह से, ये रिपल्शन लगने की वजह से फिर वो इस वाली फॉर्म में चला जाएगा, और जब वो इस वाली फॉर्म में चला जाएगा तो उन कंडीशंस में आपका ये वाला इनोलेट क्या होगा, मेजर बनेगा। इसलिए आर जब कैसा होगा, बल्कि होगा, कैसा रहा होगा, बल्कि रहा होगा, तो उन केसेस में जेड बनेगा, और जब आर अगर नॉन बल्कि रहा होगा तो उन केसेस में ई बनेगा। कितने लोगों की ये बात समझ में आई, कितने लोगों को ये बात समझ में आई, शॉर्टकट में बाद में लिखवाऊंगा, पहले ये बताएं कितने लोगों को ये समझ में आई। जय हिंद भाई, आ गया, चलिए, यस, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, अगर समझ में आ गई है तो थैंक यू उपेंद्र भाई, ठीक है। देखिएगा, आइए मैं आगे बढ़ता हूँ, इस चीज को आगे बढ़वाता हूँ, ठीक है, जरा बोर्ड पे देखिएगा। अगर मैं ऐसा बोलता हूँ कि मैंने यहाँ पे क्या लिया है, एक आर ग्रुप ले लिया है, जरा अच्छे से समराइज करते हैं इस बात को, यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ ले लिया है और इस पोर्शन के ऊपर हम लोगों ने एमी को ले लिया है। जब इसके ऊपर मैंने क्या डाला, LDA डाल दिया है, मैंने क्या डाला है, LDA डाला है, तो उसके बाद में जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो दो टाइप का बनेगा। पहले केस में मैंने OLi के साथ में ये Z ले लिया है,
और दूसरे केस में मैंने कौन सा ले लिया है, ई ले लिया है, ठीक है। ये लीजिए आर ओ नेगेटिव और यहां पे डबल बॉन्ड के साथ में मैंने जेड ले लिया, ठीक है, सॉरी ई ले लिया है। अगर आप क्या बोलेंगे कि सबसे पहले आप ये बोल दें कि अगर आपका जेड जो आपका आर ग्रुप है, अगर वो आर ग्रुप कैसा रहा होगा, ओ आर टाइप का, जैसे ओ सी एस थ्री टाइप का या ओ ई टी टाइप का रहा होगा, तो उन केसेस में जब वो छोटा होगा, लेस बल्कि होगा, तो उन कंडीशंस में ये सी एस थ्री इस पोर्शन पे आगे रहना चाहेगा। अगर ये सी एस थ्री इस वाली पोर्शन पे आगे रहना चाहेगा तो उन केसेस में आपका कौन सा बनेगा, ई कैसा हो जाएगा, मेजर हो जाएगा, क्योंकि रिपल्शन नहीं होंगे तो फिर कौन सा मेजर बनेगा, ई मेजर बन जाएगा। तो मैं आपके सामने एग्जैक्ट डाटा जो है वो आपके सामने मैं पुट कर देता हूं, ठीक है। देखिएगा ये 95% बनता है और ये कितना बनेगा आपका Z जो बनेगा वो 5% बनेगा, अगर ये R ग्रुप हल्का रहा होगा, छोटा रहा होगा। अगर यहीं पे जो R ग्रुप है अगर वो आपका बड़ा होगा, ET टाइप का होगा, तो फिर जो आपके रिपल्शंस बढ़ने स्टार्ट होंगे, और जब रिपल्शंस बढ़ने स्टार्ट होंगे तो ये कम हो जाता है, ये 70% हो जाता है और ये वाला आपका 30% बनने लग जाता है। जब आपका ग्रुप कैसा रहा होगा, आइसोप्रोपाइल जैसा ग्रुप रहा होगा, तो उन कंडीशंस में फिर ये जो आपका जेड होता है वो मेजर बनने लग जाता है, ये 56% आ जाता है, ये 44% आ जाता है। और जब आपका आर ग्रुप कैसा रहा होगा, टीबीयू जैसा, टर्सरी ब्यूटाइल जैसा रहा होगा, उन कंडीशंस में जो आपका 100% जेड बनता है, और इस केस में 0% आपका क्या बनेगा, ई इनोलेट बनेगा। तो ये आपकी समरी होती है, ये ग्रुप्स जर्नली पेपर में गिवन होते हैं, क्योंकि जो बुकों में डाटा लिखा हुआ है वो इन्हीं ग्रुप्स का लिखा हुआ है। तो अगर आपके पास में ऐसे ग्रुप्स आते हैं तो उन कंडीशंस में आपको ये रेशियो याद रखना है, थोड़ा सा ध्यान रखनी है कि किसमें जेड बनेगा और किसमें ई बनेगा। क्या ये बात आपको समझ में आई, क्या आपको ये बात समझ में आई, बता दोगे, ठीक है। ये पहला रेशियो था जिसको आपको ध्यान रखना है, पहले दो में याद रखें, अगर यहां पे ET और OCS3 रहा होगा, हल्का रहा होगा, तो E मेजर बनेंगे। अगर बड़ा ग्रुप होगा IPR और TBU जैसा, उन केसेस में आपका Z इनोलेट जो होंगे वो मेजर बन जाएंगे, ठीक है। अगला देखिएगा, अब हम लोग अगला जो केस पढ़ने जा रहे हैं वो अगला केस हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इसका ध्यान से देखना, हम लोग अगला केस डिफरेंट बेसिस को लेके बात करने जा रहे हैं, ठीक है। आइए, डिफरेंट बेसिस से मेरा कहने का मतलब क्या है, अगर मान लीजिए एक बार आपको एलडीए दे रखा है, जैसे आपने क्या कर लिया है, एक ग्रुप को फिक्स कर लिया है, कहने का मतलब क्या है, आपने यहां पे ईटी लिया, ये वाला बी, ये आपने इनिशियल सबस्ट्रेट क्या कर लिया है, फिक्स कर लिया है। अब सबस्ट्रेट के ऊपर आपने डिफरेंट बेसिस को वेरी करवा दिया है, पहला बेस जो आपने लिया है वो एलडीए लिया है, दूसरे केस में जो आपने बेस लिया है वो आपने क्या ले लिया है, LI, आपके पास में TMP ले लिया, टेट्रामिथाइल पीप्रिडाइड, ठीक है, और थर्ड केस में आपने क्या लिया है, LI, HM, DS ले लिया। ये तीनों बेसिस लिए और उसके बाद में आप लोगों ने सेलेक्टिविटी देखना स्टार्ट किया कि सेलेक्टिविटी कैसी आएगी, इसमें आपका ET बनेगा। अब देखो एक बात तो कंफर्म हो चुकी है अच्छे से कि अगर ET होगा तो जर्नली आपका ई इनोलेट ज्यादा फेवर्ड होगा, कौन सा वाला ज्यादा फेवर्ड होगा, ई इनोलेट आपका ज्यादा फेवर्ड होगा। तो ये बात तो मेरे को समझ में आ गई है, इसका मतलब ये डबल बॉन्ड ओ था, यहां से डबल बॉन्ड ओ इनोलेट में कन्वर्ट करेंगे तो नेगेटिव आएगा, डबल बॉन्ड आएगा और इस पोर्शन के ऊपर मैथिल आ गया, एक तो आपका ये बनेगा, दूसरा आपका ई टी यहां पे ओ नेगेटिव डबल बॉन्ड और यहां पे क्या आ जाएगा सी एस थ्री, समझिएगा कहानियों को। जो आपका एलडीए होता है ना वो इनमें से सबसे लीस्ट हिंडर्ड होता है, मतलब कहने का मतलब क्या है, जब आप इसकी ट्रांजिशन स्टेट ड्रॉ करोगे तो उस ट्रांजिशन स्टेट में इनकी जो बल्कीनेस होती है वो कुछ इस टाइप से क्या करती है, इंक्रीज करती है। सबसे कम हिंडर्ड एलडीए होगा, उससे ज्यादा हिंडर्ड एलआई टीएमपी होगा और सबसे ज्यादा हिंडर्ड क्या होगा, एलएचएमडीएस होगा। एक बात बताना, अगर मैं ऐसा बोलता हूं कि अगर बेस की हिंड्रेंस बढ़ेगी, अगर मान लो कि इस पोर्शन पे आने वाले बेस की हिंड्रेंस बढ़ेगी, इसका मतलब 1.3 डाइएक्सियल इंटरेक्शंस का एक्सटेंट बढ़ेगा, 1.3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन का एक्सटेंट जो होगा वो बढ़ेगा, क्योंकि जितना बड़ा होगा उतने अच्छे रिपल्शंस लगाएगा और जितने ज्यादा रिपल्शन लगाएगा उतना ही इस एमी को इस पोजीशन के ऊपर आने से रोकेगा,
बोलो यार, अगर इस वाले पोर्शन पे आने से रोकेगा, इसका मतलब वो इस वाले ग्रुप के साथ में ही रिपल्शन करके रह जाएगा CH3, क्योंकि ऊपर आएगा तो उसको ज्यादा रिपल्शन क्या करना पड़ेगा, सहन करना पड़ेगा, इसलिए वो आना नहीं चाहेगा। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि जैसे जैसे बेस की इंड्योरेंस बढ़ती है वैसे वैसे ई का एक्सटेंट बढ़ता है, वैसे वैसे ई का जो एक्सटेंट होता है वो इंक्रीज हो जाता है। अगर आपने आर ग्रुप को ईटी लिया होगा, अगर आपने आर ग्रुप को ईटी लिया होगा और उस केस में आपने एलडीए जब लिया होगा, तो उन कंडीशंस में जो ये जेड था आपका और ये आपका ई था, ये रेशियो आया था 30:60 का, ठीक है। लेकिन जैसे आप क्या लेंगे, एलआई टीएनपी लेंगे, तो फिर ये जो रेशियो होता है वो हो जाता है 15:85 का। और जब आप एलआई एचएमडीएस लोगे, एचएमडीएस लोगे, तो उन कंडीशंस में ये हो जाता है 5 और ये हो जाता है 95। अगर आपको ई का एक्सटेंट बढ़ाना है, अगर आपको ई का एक्सटेंट बढ़ाना है, तो उन कंडीशंस में आप छोटे ग्रुप के साथ में मोर हिंडर्ड बेस का यूज कर सकते हैं, लाइक एचएमडीएस। किसका? लाइक एचएमडीएस। कितने लोगों को ये बात पता चली, कितने लोगों को ये बात समझ में आई? अभी मैं क्वेश्चन करने सिखाऊंगा आगे, ये बताएं क्या ये बात आपको समझ में आई। थैंक यू सूर्यांश भाई, ओके, बहुत बढ़िया भाई, ठीक है, सबको समझ में आ चुकी है, ठीक है। आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो, एक बात तो सब लोग पकड़ गए होंगे, यहां से ये बात पकड़ गए होंगे कि अगर पीछे वाली स्लाइड को अगर आप देखते हैं, देखो जब मैंने आर ग्रुप को OCH3 टाइप का लिया है, अगर मैंने ईथर टाइप, एस्टर टाइप की स्पीसीज ली होगी, तो एक बिल्कुल फिट हो गया आपको, हमेशा जो आपका मेथिल होगा वो जस्ट अपोजिट बना देना है। मतलब जब आपके पास में कभी भी एस्टर आएंगे, उन केसेस में आपका क्या बनेगा, ई ही क्या बनेगा, मेजर बनेगा, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई है। अब मैं एक छोटा सा चेंज करता हूं, इसमें हम लोग एल्डिहाइड की बात करते हैं, ठीक है। देखिएगा, अगर हम लोग एल्डिहाइड की बात करते हैं तो एल्डिहाइड तो ऑलवेज ही क्या देगा, ई देगा। बोलो यार, एल्डिहाइड तो ऑलवेज ही देगा, क्योंकि ये तो हिंडर्ड ही नहीं है, डबल बॉन्ड हो। अगर इस पोर्शन के ऊपर कोई भी ग्रुप लगा लो, एनी ग्रुप अगर मैं लगा लेता हूं और इसके ऊपर आपने क्या डाला होगा, एलडीए टाइप का डाला होगा, तो फिर देखिएगा इसका जो इनोलेट बनेगा, उस इनोलेट में जो ट्रांजिशन स्टेट होंगी, जैसे हाइड्रोजन था, एक बार मैं बना के दिखा रहा हूं, ये लीजिए डबल बॉन्ड ओ था इस पोर्शन के ऊपर, ऊपर की तरफ क्या था, यहां पे हाइड्रोजन लगा लिया, इस पोर्शन पे हाइड्रोजन लगा लिया और यहां पे आपने एम ई लगा लिया है। अगर इस पोर्शन के ऊपर हाइड्रोजन होगा तो ऑलवेज एम ई यहीं पे आएगा, वो जाएगा ही नहीं ऊपर, क्योंकि उसे पता है, क्योंकि ऊपर तो कौन बैठा हुआ है, यहाँ पे एलडीए का आइसोप्रोपाइल ग्रुप बैठा हुआ है, और अगर आइसोप्रोपाइल ग्रुप बैठा होगा तो आपको ये कहानी चमक गई होगी कि 1.3 जो आपके 1.3 डायएक्सियल इंटरेक्शन होंगे वो उन लोग कभी भी फेस नहीं करना चाहेगा, और जब कभी भी फेस नहीं करना चाहेगा, इसका मतलब वो एमी जो होगा वो पक्का ही हाइड्रोजन के बगल में पड़ा होगा, क्योंकि इनके बीच में तो नो रिपल्शन, कोई रिपल्शन होता ही नहीं है। इसलिए जब कभी भी दुनिया में एल्डिहाइड के इनोलेट बनाते हो, वो ऑलवेज ई बनेंगे। वो कैसे बनेंगे, ऑलवेज ही ई बनेंगे। जैसे ये डबल बॉन्ड ओ था, ये ओ एल आई में कन्वर्ट हो जाएगा। बोलो यार, यहां पे सिंगल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड बना देना, इसमें एमी नीचे की तरफ आ रहा है, एमी को नीचे की तरफ चिपका दे, ये वाला हाइड्रोजन जो ऊपर था ऊपर की तरफ चिपका दे, और यहाँ पे क्या था, हाइड्रोजन था। इसलिए हमेशा ध्यान रखना, हमेशा ही क्या होंगे आपके एल्डिहाइड के केस में, इन केस ऑफ एल्डिहाइड वी ओनली गॉट कौन से इनोलेट, ई इनोलेट्स, ठीक है, हमेशा ई इनोलेट्स बनेंगे। चलता हूं आगे, जरा बोर्ड पे देखिएगा, ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है। नो रिपल्शन, कोई रिपल्शन नहीं है, ऊपर जाएगा तो रिपल्शन मिलेगा, इसलिए जाना नहीं चाहेगा, ठीक है। आगे बढ़ता हूं, मैं एक कहानी और सिखाता हूं। सारी कहानियां तब बर्बाद हो जाती हैं जब आप एक अलग टाइप का रिएजेंट इसके अंदर यूज कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास में आर था, डबल बॉन्ड ओ था, और यहां पे आपने ये वाला कोई भी, यहां पे आर ग्रुप, एनी ग्रुप,
जो आपका मन करे वो ग्रुप लगा लेना, ठीक है। और इसके ऊपर आपने क्या डाला, एलडीए डाल दिया है, किसमें, टीएचएफ में, और इसके साथ में आपने -78 डिग्री सेंटीग्रेड की कंडीशंस दे रखी हैं। लेकिन खेल तब हो जाता है इसमें जब आप इसमें एचएमपीए डाल देते हैं। ये लीजिए, आ गई है बला नई। अगर आप एचएमपीए डालते हैं तो उन कंडीशंस में क्या होगा, फिर से देखो, इनोलेट तो दो ही टाइप के बनेंगे, मेजर माइनर, एक तो आपका ई बन सकता है, बोलो यार, दूसरा आपका कौन सा बन सकता है, जेड बन सकता है, ओ नेगेटिव, यहाँ पे डबल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, मान लीजिए इस पोजीशन पे एम ई, ये आपका जेड होगा और ये आपका क्या होगा, ई होगा। ध्यान से सुनिए, कहानियों को अच्छे से सुनना, ठीक है। जब कभी भी क्या आ जाए आपका एचएमपीए हेक्सामिथाइल फॉस्फोरामाइड टाइप का कोई भी एडिशनल कंपाउंड आपने इसके अंदर डाला होगा, वो भारी चिलेशन करता है लिथियम के साथ में, मतलब वो क्या करेगा, गुड चिलेशंस करेगा, और अगर वो अच्छे चिलेशंस करने लग जाएगा तो उन किसके साथ में, एलआई पॉजिटिव के साथ में, जैसे ही वो चिलेशन करेगा फिर सारी कहानियां बर्बाद हो जाती हैं। नो सिक्स मेंबर्ड ट्रांजिशन स्टेट, कोई सिक्स मेंबर्ड ट्रांजिशन स्टेट जनरेट नहीं होंगी, और जब सिक्स मेंबर ट्रांजिशन स्टेट जनरेट नहीं होंगी तो उन केसेस में ओनली ऑपरेट होंगे क्या, 1A1.3 स्ट्रेन। क्या कहना चाहता हूं मैं इस बात से समझाता हूं आपको, देखिएगा, अगर मान लीजिए कि आपने क्या किया था, यहां पे कुछ इस टाइप से ग्रुप लिया था, ये लीजिए जी ऑक्सीजन ले लिया, इस पोर्शन के ऊपर मैंने आर लगा लिया है, यहां पे आपने एक बार इस पोर्शन पे ये मेथिल जो लगा हुआ है, यहां दो हाइड्रोजन है, ठीक है, यहीं से इनोलेट बनाएंगे। अगर आपने इस पोर्शन के ऊपर क्या ले लिया है, यहां पे एक बार हाइड्रोजन ले लिया है, ऊपर मैंने क्या ले लिया है, CH3 ले लिया है, और इस पोर्शन पे मैंने हाइड्रोजन ले लिया है, आपने इसमें एलडीए डाला, आप पक्का ही एक मिनट के लिए सोचेंगे कि एलडीए डाला है तो इसमें लिथियम रहा होगा, वो लिथियम इसके साथ में चिलेशन कर रहा होगा, यहां पे नाइट्रोजन रहा होगा, इसके पास में आइसोप्रोपाइल ग्रुप रहा होगा, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो आके हाइड्रोजन को पकड़ेंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स आगे शिफ्ट होंगे और ये फिर से किसको पकड़ लेगा, एलआई को। जब आप इस केस में देखते हैं ना, तो ये जो आपका CH3 है वो इसके साथ में रिपल्शंस करता हुआ दिखाई देता है, क्या करता हुआ दिखाई देगा, रिपल्शंस करता हुआ दिखाई देगा, लेकिन सारा खेल जो है वो HMPA आके बिगाड़ देता है। HMPA क्या करता है आके कि यहां पे जो आपका लिथियम होता है, इस लिथियम के साथ में HMPA क्या दिखाने लग जाता है, चिलेशंस, और जैसे ही वो चिलेशंस दिखाएगा फिर वो इस ऑक्सीजन के साथ चिलेशंस नहीं दिखाता है, और जब इस ऑक्सीजन के साथ चिलेशन नहीं दिखाएगा तो फिर ये सारा मामला बिगड़ जाता है, नो ट्रांजिशन स्टेट, ऐसी ट्रांजिशन स्टेट फिर जनरेटिंग नहीं होती है, और जब ट्रांजिशन स्टेट जनरेट नहीं होगी तो फिर ये रिपल्शंस भी नहीं लगेंगे, इसलिए यहां पे फिर नो रिपल्शंस, कोई रिपल्शंस नहीं होते हैं, और जब रिपल्शंस नहीं होंगे तो देखो, एक बार मैथिल ऊपर रहे, एक बार मैथिल नीचे आए, तो नीचे आएगा तो पक्का ही रिपल्शन बनेगा, ये तो जा ही नहीं सकता मॉलिक्यूल से, ये तो पक्का ही यहीं पे रहेगा, इसका मतलब ये रिपल्शन से बचने के लिए एमी हमेशा ऊपर जाएगा, और अगर हमेशा ऊपर जाएगा तो ऑलवेज कैसे इनोलेट बनाएगा, ओ एल आई, यहां आर था और यहां पे क्या जाएगा मैथिल, वो हमेशा ही जेड इनोलेट बनाएगा, इसलिए लिख लेना अच्छे से, जब कभी भी आपके पास में क्या आएगा दुनिया में, अगर इस पोजीशन के ऊपर अगर यहां पे एचएमपीए दे रखा होगा तो उन केसेस में जेड इनोलेट जो होंगे वो मेजर बनेंगे, वो क्या बनेंगे, मेजर बनेंगे, चाहे आपने यहां पे OCS3 क्यों ना लिया हो। अगर देखो मैं डाटा लिखता हूं, फिर से एक बार डाटा लिखता हूं, अगर वो डाटा मिला तो मेरे को एक बार, हाँ देखना, अगर आपने यहां पे R ग्रुप को क्या लिया होगा, OCS3 लिया होगा ना, उन केसेस में ये जो आपका होता है वो 15% बनता है और जो Z होता है वो 85% बनता है, और जब आपने R को ET लिया होगा उन कंडीशंस में, इस वाले R को अगर आपने ET लिया होगा उन कंडीशंस में रेशियो आता है 8:92 का, किसका आता है 8:92 का, तो ध्यान रखना चिलेशन नहीं होंगे तो फिर हमेशा Z मेजर होगा। अब तो बता दो यार कितने लोगों समझ में आया,
किसमें एल आई अपोजिट है? फिर वो तो एल डी की बात चल रही है, आर्चिलेशन की बात चल रही है, वो तो है ही नहीं ना। एन बी यू टी यू थ्री तो हम लोगों ने लिया ही नहीं है ना कुछ भी भूपेंद्र, वो तो लिया ही नहीं, उसमें ट्रांजिशन स्टेट बनेंगे नहीं। हाँ ई तो है, दिस इज फर्स्ट ई। समझा ही नहीं मैं क्या पूछना चाहते हो विनय कुमार। ठीक है बोल तो यार, क्या सारी कहानियां क्लियर हैं, क्या सारी कहानियां क्लियर हैं। ये सारी कहानियां थी आपकी इनोलेट की, जो जब कभी भी आप एल डी एल एच एल एच एम टी एल टी एम पी और आप एल एल एच एम डी एस वगैरह कोई भी बेस यूज करेंगे तो उनमें कौन सा इनोलेट आपको मेजर बनाना है, ये इनोलेट से रिलेटेड थी। जिन मिथिलेशन होता है उन्हीं की बात करेंगे। ठीक है ठीक है, चले आगे, शायद आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा सच सच बताना कितने लोगों को बिल्कुल समझ में आया है, क्लियर है? ओके ठीक है भाई, आइए आगे बढ़ते हैं। अब तो कहानी और भी मजेदार होने जा रही है। देखना आपको जिंदगी में कभी भी ऑर्गेनिक से जो डर लग रहा है वो है ही नहीं एक्चुअली में, डर देखना स्टीरियो ही है बस सारी। ठीक है देखिएगा एक बार, मैं आगे बढ़ता हूं। आइए ये जो भी हम लोगों ने पढ़ा है वो आयरलैंड क्लेजन मॉडल होता है अपने पास में, उससे इनकी स्टीरियो निकाली जाती है, वही मैंने आपको समझा दिया। ठीक है अब हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो जिमरमैन टेक्सलर मॉडल हम लोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? जिमरमैन टेक्सलर मॉडल पढ़ेंगे, जिससे हम लोग डिसाइड करेंगे कि कौन सा वाला प्रोडक्ट मेजर होगा कौन सा माइनर होगा। आइए स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ अल्डो रिएक्शन की बात करते हैं। स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ एल्डोल रिएक्शन, समझिएगा सारी कहानियों को जानिएगा। अगर मान लीजिए कि आपके पास में इनिशियली आपके पास में क्या था, कोई ऐसा कंपाउंड गिवन है जैसे यहां पे R है, इस पे डबल बॉन्ड O है और यहां पे आपने क्या डाल दिया है, ये आपने लिया है। ठीक है ये आपने इनिशियल आपने कोई कीटोन लिया है, इस कीटोन को आपने क्या किया है सबसे पहले 100% इनोलेट में कन्वर्ट किया है, एलडीए डाल दिया इसमें -78 डिग्री सेंटीग्रेड और टीएचएफ में। जब ये 100% में कन्वर्ट हो जाएगा तो उसके बाद में आपने क्या डाला, एक आर डबल डैश, या मैं इसको बोल देता हूं, इसको आर डैश बोल देते हैं, आर डबल डैश सी डबल बॉन्ड ओ एच आपने क्या डाल दिया, एक एल्डिहाइड डाला है। जब एल्डिहाइड के ऊपर डालेगा तो क्रॉस रिएक्शन होंगी। हम लोगों ने खूब ऐसे प्रोडक्ट बनाए थे लास्ट क्लासों में कि पहले इसका इनोलेट बना लेना फिर इसके ऊपर अटैक करवा देना तो आपके बीटा हाइड्रोक्सी जो आपके कंपाउंड जनरेट हो रहे थे वो बन जाएंगे। ठीक है तो देखिएगा मैं बना देता हूं एक मिनट के लिए। अगर इसने एलडीए ने क्या किया होगा, यहां से बना देता हूं सब कुछ सिखाता हूं, इसने यहां से प्रोटोन को पकड़ा होगा। बोलो यार जब इस वाले प्रोटोन को पकड़ेगा ये वाले इलेक्ट्रॉन आगे चलेंगे, ये कुछ इस टाइप से आपका क्या बन जाएगा आर डैश, यहां से ओ नेगेटिव, ये डबल बॉन्ड और यहां पे एम ई आ जाएगा। जब इसके ऊपर आपने एल्डिहाइड डाला होगा तो एल्डिहाइड ये वाला जब डाला होगा तो ये नेगेटिव वापिस आया होगा और जब वापिस आया होगा तो यहां से OH बना होगा। जो आपका नया प्रोडक्ट आएगा, अब मेरे को ये नहीं पता, यहां पे स्टीरियो को मैंने ऐसे दिखा दिया कि मेरे को पता नहीं अभी फिलहाल स्टीरियो क्या है, तो यहां पे आर डैश, यहां पे ओ नेगेटिव और यहां पे आपका क्या आ जाएगा सिंगल बॉन्ड, वापिस आ रहा ना सिंगल बॉन्ड, इसने इसके ऊपर अटैक किया है, इसका मतलब इस वाली पोर्शन से अटैक हुआ है तो अगली पोर्शन पे लेके जाएं। इसके ऊपर एक एम ई लगा हुआ था, यहाँ पे मैंने एम ई लगा दिया है, इस पोर्शन के ऊपर एक ओ एच आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा आर डबल डैश। ये आपका सॉरी ये वापिस आ चुका है, ये आपका क्या बन जाएगा बीटा हाइड्रोक्सी आपका कीटोन क्या हो जाएगा जनरेट हो जाएगा। जो आपका बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन जनरेट हुआ है उसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटी होंगी, अगर ये वेज रहा होगा तो फिर ये वेज हो सकता है, या ये वेज रहा होगा तो फिर ये डैश हो सकता है, ये डैश रहा होगा तो ये वेज हो सकता है, या फिर दोनों कैसे हो सकते हैं डैश हो सकते हैं।
इन्हीं ग्रुप्स की स्टीरियो के बारे में हमें क्या करना है, डिस्कशन करना है। ठीक है, तो समझिएगा, मैं आपको समझाता हूं एक एक करके। सबसे पहले हम लोग जिस चीज की बात करेंगे वो हम लोग बात करेंगे जी इनोलेट से, मतलब जेड इनोलेट से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर मान लीजिए इनिशियली आपके पास में जेड इनोलेट गिवन है, ठीक है, आपने मान लो कि एलडीए से इनोलेट जनरेट करवाया, आपने आर ग्रुप को देखा और वो जेड इनोलेट बन गया, ठीक है। अब उस जेड इनोलेट की फर्दर रिएक्शन है, जो आपका जेड इनोलेट होगा वो कैसा दिखाई देगा, ये देखिए ओ नेगेटिव, यहाँ पे मान लीजिए कोई मेटल पड़ी हुई है जैसे एल आई पॉजिटिव पड़ा हुआ है, यहाँ पे हम लोगों ने आर क्या लिया था, इनोलेट अभी जनरेट करवाया था, आर डबल डैश ले लिया था। अगर ये जेड रहा होगा तो इसमें एम ई इस तरफ आएगा, बोलो यार ये ओ एल आई और ये एम ई सेम साइड है। जब इसके साथ में एल डी हाइड क्या करने आएगा, इंटरेक्ट करने आएगा, ये आर डैश था, आर डबल डैश सी डबल बॉन्ड ओ एच एल डी हाइड इंटरेक्ट करने आएगा, तो दो पॉसिबिलिटीज बनेंगी। ठीक है, पहली पॉसिबिलिटी में ड्रॉ कर रहा हूं, अच्छे से चमकाना। ठीक है, पहली पॉसिबिलिटी क्या है, सबसे पहला आप काम क्या करेंगे, एक सर्कल खींच डालें, ठीक है, एक सर्कल खींच डालें कुछ इस टाइप से, उस सर्कल के अंदर आप बैठा दें किसको, इनोलेट को, जो भी आपका इनोलेट गिवन है इसको बैठा दें। ये लीजिए मैंने यहां से इनोलेट को इसके अंदर बैठा दिया है, इनोलेट को इसके अंदर डाले ऐसे डबल बॉन्ड, इसके ऊपर क्या है, यहां पे ओ था और यहां पे क्या था आपका एल आई था, मेटल था, इसके ऊपर आपके पास में क्या था आर डैश था, इस पोर्शन के ऊपर ऊपर की तरफ कौन लगा हुआ है एम ई, और इस पोर्शन के ऊपर आपका क्या था हाइड्रोजन। पहले आप इनोलेट को ड्रॉ कर लें। अब देखो जो सर्कल वाला कार्बन है वो आपका ये वाला कार्बन है, सर्कुलर कार्बन कौन सा है एल्डिहाइड का, जब कभी भी एल्डिहाइड आएगा तो वो पक्का ही क्या करेगा चिलेशन दिखाएगा, अगर वो चिलेशन दिखाएगा ना तो पक्का उसको इस ऑक्सीजन के ऊपर एल आई लगा हुआ है, मतलब एल आई स्पेस में पड़ा होगा तो पक्का इस ओरिएंटेशन में आना चाहेगा। इसका मतलब डबल बॉन्ड ओ जो आपका किसका है एल्डिहाइड का है ये वाला, ये तो पक्का ऐसा फिक्स हो जाएगा। अब आपके पास में दो पॉसिबिलिटीज बचेंगी, एक आर डबल डैश की और एक किसकी रही होगी हाइड्रोजन की, तो अगर मैं आर डबल डैश को अगर यहां पे पुट कर लेता हूं तो हाइड्रोजन इस पोजिशन पे आएगा, पहली कंडीशन आपके पास में ये वाली बनेगी, और दूसरी कंडीशन आपके पास में कैसी आएगी, फिर से एक बार इनोलेट जनरेट कर लें, एक बार फिर से एक बार बनाएं, ये सर्कल बनाया, इस सर्कल में हम लोगों ने क्या बना लिया है, ये लीजिए डबल बॉन्ड, इसके ऊपर कौन है ओ एल आई और इस पोर्शन के ऊपर कौन लगा हुआ है आर डैश, इसके ऊपर हम लोगों ने क्या रखा एम ई रखा, इस पोर्शन के ऊपर हम लोगों ने क्या रख लिया हाइड्रोजन को रख लिया। शॉर्टकट आगे आ जाएंगे, पहले मैं सिखा रहा हूं चीजों सीखना, उसके बाद शॉर्टकट आते रहते हैं, डाटा आपके पास में वो आ जाएगा। ठीक है, इस पोर्शन के ऊपर डबल बॉन्ड ओ लिखा हुआ है, यहां पे आपका क्या आ जाएगा आर डबल डैश और इस पोर्शन पे क्या आ जाए हाइड्रोजन। ये दो कहानियां बनेंगी जब भी एल्डिहाइड किसी इनोलेट से, जो जी इनोलेट से जेड इनोलेट से इंटरेक्ट करने आएगा, जब वो इंटरेक्ट करेगा तो दो कहानियां बनी है, तो इनमें दोनों में चेक करें। देखो इसमें आपके पास में ये वाला जो आर डैश है और यहां पे आपके पास में क्या है हाइड्रोजन है, ये जो इंटरेक्शन होंगे ये रिपल्शन होंगे वो बहुत कम होंगे, ना के बराबर होंगे। लेकिन इस केस में जो आपका ये आर डबल डैश है और जो आपका आर डैश है, ये जो इंटरेक्शन होते हैं वो बहुत लार्ज होते हैं, फिर से A13 स्ट्रेन होने की वजह से यहां पे ये वाला जो मॉडल होगा आपका वो हमेशा अनफेवर्ड होगा, वो हमेशा कैसा होगा अनफेवर्ड होगा। कनेक्ट करें इसको स्टीरियो से, मैंने आपको एक बात सिखाई थी, वो बात मैंने क्या सिखाई थी जरा बोर्ड पे देखिएगा, जब हम लोगों ने बात की थी कुछ इस टाइप के कंपाउंड की, जिसमें आपके पास में ये वाला साइक्लोहेक्सेन लिया था मैंने, और इस साइक्लोहेक्सेन में इस पोर्शन के ऊपर मैंने डबल यहां पे CH3 लिया था और यहां पे CH3 लिया था, जब मैंने CH3 को इस वाली पोर्शन पे लगाया था तो मैंने ये बोला था कि इस CH3 में और इस CH3 में जो रिपल्शन होते हैं वो बहुत कमाल के होते हैं, हाई होते हैं, जिसकी वजह से ये अनस्टेबल बन जाता है, और ये अनस्टेबल बन जाता है तो फिर ये इसमें ना रह के वो किसमें एग्जिस्ट करता है, वो एग्जिस्ट करता है कुछ इस टाइप के कंपाउंड में। देखिएगा, जानिएगा सारी बातों को, यहाँ पे एम ई जो होता आपका वो एक्सियल पोर्शन के ऊपर कैसा होता था, ज्यादा स्टेबल होता था, ये वाली फॉर्म खूब एग्जिस्ट करती थी। वैसे ही कहानी आ जाए आपके पास में जो आर डैश है और आर डबल डैश है, वो देखो
इस कार्बन से अगले कार्बन के ऊपर जो आर डैश है वो आर डैश कुछ इस टाइप का अरेंजमेंट बना रहा है, ये इक्विटोरियली और इसके साथ में इंट्रेंस, ये जो इंटरेक्शन होते हैं वो कुछ इस टाइप के इंटरेक्शन होते हैं और ये इंटरेक्शन में कमाल का रिपल्शन लगता है, इसलिए कभी भी स्टेबल नहीं होता है और वो अनफेवरेबल होते हैं, इसलिए ये मॉडल जो होगा आपका वो कैसा होगा, फेवरेबल होगा, आपको इसी में रिएक्शन करवानी है, ठीक है। अब देखिएगा मैं अगले पेज के ऊपर लेके जा रहा हूं, फिर से मैं कुछ बातें बता रहा हूं। हाँ, जिमरमैन टेक्सलर मॉडल, मैं लिखूंगा स्पेलिंग लिख दूंगा, जिमरमैन टेक्सलर मॉडल, ठीक है। देखिएगा अगले पेज के ऊपर लेके चल रहा हूं मैं इस बात को, ठीक है, देखना कहानी को समझना। देखिएगा यहां से हम लोग रिएक्शन करवाने जा रहे हैं, देखो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं मैं वो आपको समझाता हूं, ठीक है। इसको आप कैसे लिख सकते हो, देखिएगा इस वाले को आप कैसे लिख सकते हो, ये भी जो जाता है आपका वो एक सिक्स मेंबर्ड कंसर्टेड ट्रांजिशन स्टेट है, मैं इसको बना के दिखा रहा हूं ताकि आपको चमक जाए अच्छे से, ठीक है। देखिएगा ये डबल बॉन्ड था जी, इसके ऊपर कौन लगा हुआ था, ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन से कौन पड़ा हुआ है जी, ऐसे कुछ इस टाइप से लिथियम पड़ा हुआ है, ठीक है। इस लिथियम के साथ में कौन सा ऑक्सीजन आ रहा है, ये वाला ऑक्सीजन आ रहा है, तो देखिएगा यहाँ पे मैंने क्या रख दिया है, हाइड्रोजन को रख दिया है, ऊपर मैंने Me को रख दिया है और इस पोर्शन के ऊपर मैंने R डैश को रख दिया है, ठीक है। समझिएगा पीछे वाला जो आपका एल्डिहाइड था, उस एल्डिहाइड का जो ऑक्सीजन था वो ऑक्सीजन कैसा रखा हुआ आपका, इसके साथ में इंटरेक्शन दिखाएगा, चेयर बनाते हुए दिखा दें कि इसके साथ में ये तो बॉन्ड था OLi का बॉन्ड था, इस तरफ ऑक्सीजन रहा होगा, सिलेशन कर रहा होगा, डबल बॉन्ड आएगा, इसमें नीचे की तरफ कौन आ रहा है, हाइड्रोजन आ रहा है और ऊपर की कौन तरफ कौन जा रहा है, पीएच जा रहा है। तो यहां से होंगे क्या, कैसे कारनामे होंगे, ये आज के बाद आपको नहीं बनाना है ये वाली फॉर्म, केवल अभी एक बार सीखने के लिए बनानी है, उसके बाद कभी ड्रॉ नहीं करनी है। देखना यहां से इस वाले बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चलेगी, ये आगे बढ़ेगी तो इस सेंटर के ऊपर अटैक करेगी और इस बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पे शिफ्ट हो जाएगी, तो एक सिक्स मेंबर्ड कंसर्टेड ट्रांजिशन स्टेट से ये जाएगा। अगर ये कंसर्टेड ट्रांजिशन स्टेट से जाएगा तो आपके पास में जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा ना, वो प्रोडक्ट कैसा दिखाई देगा, जरा अच्छे से चेक करें इसको। इसमें आपके पास में ये था, यहां पे ऑक्सीजन था, इस ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चली थी, ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, यहां पे आपका आर डैश आ जाएगा। जब ये आगे बढ़ा तो इस पोर्शन पे ऊपर की तरफ एमी लगा हुआ था, बोलो यार नीचे की तरफ कौन लगा हुआ था, हाइड्रोजन लगा हुआ था। इसने अटैक किया होगा अगले सेंटर के ऊपर, जब अगले सेंटर के ऊपर अटैक किया होगा तो इसके साथ में यहाँ पे ओ आ गया होगा और यहां से Li के बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसमें नीचे की तरफ हाइड्रोजन रहा होगा और ऊपर की तरफ कौन रहा होगा, पीएच रहा होगा। तो ऐसी सिक्स मेंबर्ड कंसर्टेड ट्रांजिशन स्टेट से ये जाता है, ये आपका क्या बनेगा, फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। लेकिन कभी भी ये वाला जो प्रोडक्ट होता है वो पेपर में गिवन नहीं होता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ये कभी भी पेपर में गिवन नहीं होता है। तो उन कंडीशंस में आपको क्या करना है वो कंडीशंस में सिखाता हूं, ठीक है। जरा बोर्ड पे देखिएगा, अगर ये वाला जो आपको इनिशियली ये मैंने सिखाने के लिए बताया कि कुछ इस टाइप से प्रोडक्ट बनता है, इस पोर्शन के ऊपर Me है और यहाँ पे ऊपर की तरफ पीएच है, घुमाओगे फिराओगे, घुमा फिराने के बाद में आपको रिजल्टेंट बताना पड़ेगा। अब आप इसमें चेक करना एक मिनट के लिए, देखो मैं सिंपल इसमें आपको यही बनाना है और इसी में रिएक्शन दिखानी है। इसमें आप क्या बोल दोगे, ये लीजिए जी इसके पास में नेगेटिव चार्ज था, मैंने आगे बढ़ाया, वो आगे बढ़ के इसने इसके ऊपर अटैक कर दिया और ये खुल गया। जैसे ये खुलेगा तो आपका जो प्रोडक्ट बनता हुआ दिखाई देगा वो एक सर्कल था, इस सर्कल में सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, बोलो यार यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, इस पोर्शन के ऊपर डबल बॉन्ड ओ आ जाएगा और आर डैश आ जाएगा। समझना कहानियों को अच्छे से, हाइड्रोजन था, ऊपर की तरफ क्या पड़ा हुआ है, मेथिल पड़ा हुआ है, मेथिल लगा देना, इस पोर्शन के ऊपर आपके पास में आर डबल डैश पड़ा हुआ है, डबल डैश लगा देना, ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, OH में, जब पूरी रिएक्शन हो जाएगी और नीचे की तरफ कौन आ गया आपका, हाइड्रोजन।
याद करो वो दिन जब मैंने आपको फल्की नान मॉडल पढ़ाया था और उसमें मैंने एक बात बताई थी आपको, और उसमें मैंने एक बात ये बोली थी कि जो भी दो ग्रुप आपको अपोजिट रखने हो ना उनको अपोजिट रख लेना। जैसे इस केस में मैं इस वाले ग्रुप को और इस वाले ग्रुप को मैं अपोजिट रख लेता हूं, एक दूसरे के जस्ट अपोजिट पुट कर देता हूं, तो फिर ये दोनों जो ग्रुप होंगे वो सेम स्टीरियो में होंगे। ये दोनों कैसे होंगे, सेम स्टीरियो में रहे होंगे, और ये वाले जो दोनों हाइड्रोजन होंगे वो फिर से किस में होंगे, सेम स्टीरियो में रहे होंगे। आज के बाद आपको एक बात और ध्यान रखनी है, अगर ऐसा कभी भी अरेंजमेंट बन जाए तो ये जो ऊपर वाले होते हैं वो हमेशा डैश होंगे। ये मैंने ट्रिक बनाई है बहुत सारे एग्जांपल को देखते हुए, ये डैश होते हैं और ये हमेशा कैसे होंगे, वेज होंगे। ये हमेशा कैसे होंगे, दोनों वेज होंगे। तो जब आप इससे जब ओवरऑल प्रोडक्ट लिखने जाएंगे, यहां से जब ओवरऑल प्रोडक्ट लिखेंगे तो वो ओवरऑल प्रोडक्ट कैसा दिखाई देगा, जरा बोर्ड पे देखना अच्छे से। इसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूं, इसमें आर डबल डैश था कुछ इस टाइप से, आप एंटी पेरिप्लेनर बैकबोन ड्रॉ कर दें, यहां पे डबल बॉन्ड और क्या था आपका आर डैश था, ये आर डैश आपने ड्रॉ कर दिया है। अब देखना इसमें जो एमी है और जो आपका ओएच है, यहां पे डैश के ऊपर एमी आ जाएगा और यहां पे डैश के ऊपर कौन आ जाएगा, ओएच आ जाएगा। ये आपका क्या होगा, फाइनल प्रोडक्ट होगा। ये आपका क्या होगा, इसमें फाइनल प्रोडक्ट होगा। कितने लोगों को बात समझ में आई, यहां पे वेज के ऊपर हाइड्रोजन होगा और वेज के ऊपर हाइड्रोजन होगा। हाँ अरे बता दूंगा सुन, लिख देता हूँ, जिमरमैन टेक्सलर मॉडल, स्पेलिंग की तो दिक्कत थी। बोलो फिर से बताना है क्या, ये समझने के लिए था। ऐसी सिक्स मेंबर ट्रांजिशन स्टेट से जाता है, ऐसा प्रोडक्ट बनता है, ये डायरेक्ट देखने का तरीका था। और कभी भी पेपर में जब भी आएगा, जब भी पेपर में आएगा तो आपको इस फॉर्म में आंसर पूछेगा, तो आपको इस वाले को इस वेज डैश में कन्वर्ट करना पड़ेगा। नहीं, ये जो होंगे इनको हमेशा डैश पे रखना है, ऊपर की तरफ जो पार्ट आ जाए इसको डैश बना देना और जो नीचे की तरफ पार्ट आ जाए इसको वेज बना देना। वैसे आप देख के नहीं बता सकते हो इसको, आप इसको देख के आप इसको वेज डैश में कन्वर्ट कर सकते हो, आप बैठ के इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करना, कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, जरूरी नहीं आप दोनों वेज बना दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो दोनों देखो एमी और जो आपका ओएच है वो कैसे है, सेम स्टीरियो में है, वो पक्के ही कैसे होने चाहिए, सेम स्टीरियो में आ चुके हैं। इसलिए जब कभी भी दुनिया में जेड इनोलेट रिएक्शन करते हैं वो हमेशा सिन प्रोडक्ट देते हैं, इसमें जो एमी है और जो ओएच है वो दोनों एक दूसरे के कैसे हैं, सिन है, सिन प्रोडक्ट बोला जाएगा वो। ये डायस्टीरियो सेलेक्टिविटी है, जब आप इसके दूसरे वाले मॉडल से इस वाले मॉडल से जब प्रोडक्ट बनाओगे तो एक वेज के साथ में एक डैश पे आएगा, एक वेज के साथ में एक डैश पे आएगा, फिर वो अनस्टेबल होंगे। बोल तो दो यार, फिर से बताना फिर से बता दूंगा, बोल लो, जाने लगा क्या ऊपर से, ओके भूपेंद्र, ओके सुनीत, और बोले भाई दो ही बंदे रह गए क्या, निकल लिए क्या सब, हमें तो वैसे ऑर्गेनिक अटेम्प्ट नहीं करनी होती पेपर में, है ना, सीख लो काम आएगा, बहुत कमाल की चीजें बता रहा हूं, गेट में आ गए तब कैसे छोड़ोगे, शॉर्टकट बना दूंगा इनके आगे, पहले सीख तो लो सारी बातों को, ठीक है। देखिएगा
देखिएगा आपको एक बात ध्यान रखनी है, कभी भी आपके पास में क्या आएगा, जब कभी भी ऐसे रिएक्शन करवाएंगे और आपके अगर जेड इनोलेट जनरेट हो जाए, क्या जनरेट हो जाए, जेड इनोलेट अगर जनरेट हो जाए तो जेड इनोलेट में ऑलवेज कैसी स्टीरियो होगी, सिन स्टीरियो होगी, क्या तो दोनों ग्रुप वेज पे होंगे या फिर दोनों ग्रुप कैसे होंगे, डैश के ऊपर होंगे, एक वेज के साथ में एक डैश नहीं होगा, ठीक है, एक वेज के साथ में एक डैश नहीं होगा, ठीक है। आइए अगली कहानी पे बढ़ते हैं, ठीक है, देखिएगा अगली कहानी सुनाता हूं आपको, बहुत ही प्यारी है अगली भी। अगर मैं ऐसा बोलता हूं कि अगर आपके पास में इनिशियली अगर कैसा रहा हो, ई इनोलेट रहा हो, कैसा रहा हो, ई इनोलेट रहा हो, तो उन कंडीशंस में फिर आप किस चीज को ध्यान देंगे, समझना अच्छे से। ई इनोलेट आपके पास में कैसा होगा, यहाँ पे इनिशियली डबल बॉन्ड दे रखा होगा, इसके ऊपर ओएलआई रहा होगा, यहाँ पे आपका आर डैश पड़ा हुआ है, एमई इस वाली पोजीशन पे आ जाएगा और यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। जब आपके साथ, जब आप इसको किसी एल्डिहाइड के साथ में रिएक्शन करवाने जाओगे तो फिर से बार बार दोहराने की जरूरत है नहीं, सर्कल बनाए और इसके ऊपर डबल बॉन्ड ओ लगा देना, एक बार आप आर डैश को, आर डबल डैश को इस वाली पोजीशन में पुट करना और हाइड्रोजन को यहाँ पे पुट करना, और दूसरे केस में आप क्या कर देना कि दूसरा जो टाइप का आपका बनेगा वो कुछ इस टाइप से बनेगा, यहाँ पे इनोलेट लिखें, इसके ऊपर ओएलआई, यहाँ पे आपका क्या था आर डैश, इस पोजीशन के ऊपर आपने हाइड्रोजन रखा, इस पोजीशन के ऊपर आपने मेथिल को रख लिया। आप इनोलेट के साथ कोई छेड़छाड़ छेड़खानी मत करना, जैसा बना हुआ है वैसा बना लेना। दूसरे केस में सर्कल ड्रॉ करना, यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ बना देना, ये तो इसके साथ में चिलेशन करेगा ही करेगा, चिलेशन रखें, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, आर डबल डैश आ जाएगा और इस पोर्शन के आपके पास में क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा, ठीक है। अब फिर से आप क्या बोलेंगे, फिर से वही कहानियां हैं, फिर से वही कहानियां हैं, कौन सी वाली, कि जो आपका ये जो आर डबल डैश है ना, वो इस आर डैश के साथ में रिपल्शन करेगा, क्योंकि ए 1.3 स्ट्रेन तो भारी क्या होते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, बहुत ज्यादा रिपल्शन दिखाते हैं, इसलिए यहाँ पे रिपल्शन होने की वजह से ये जो आपका होगा वो फिर से अनफेवरेबल बनने लग जाता है। और इस केस में भी कौन सा फेवरेबल होगा, जब आपका यहां वाला कभी भी एल्डिहाइड दोगे तो ये वाला जो आर डैश इस पूरे ग्रुप से कैसा होना चाहिए, फार होना चाहिए, अवे होना चाहिए। उन कंडीशंस में आप क्या करेंगे, जब कभी भी इसके साथ में जब आप रिएक्शन दिखाओगे तो रिएक्शन जब दिखाएंगे तो जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा ना वो कैसा दिखाई देगा। अब मैं फिर से वो ट्रांजिशन स्टेट बना के नहीं दिखा रहा हूं, मैं सीधा ड्रॉ कर रहा हूं। ये सर्कल लिया मैंने, इस पोर्शन के ऊपर सिंगल बॉन्ड, देखो यहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चलेगी, आगे चली, आगे बढ़ी तो इसके ऊपर वो अटैक करेगा, इसका मतलब सिंगल बॉन्ड बना दिया, डबल बॉन्ड ओ आएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका आर डैश आ जाएगा। इस वाले कार्बन में और पीछे वाले कार्बन में बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो इस पोर्शन के ऊपर आपका OH बन जाएगा। बचे हुए ग्रुप्स को आप लगा दे, इस पॉइंट के ऊपर, ऊपर की तरफ क्या था, हाइड्रोजन था, नीचे की तरफ क्या था, एम ई था, एज इट इज लगा दिया, यहाँ पे आर डबल डैश लगा हुआ था, डबल डैश लगा दें, और नीचे क्या था, हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन लगा दें, बन गया आपका प्रोडक्ट। यही क्या होगा, आपका प्रोडक्ट होगा। अगर ये प्रोडक्ट जनरेट हो चुका है तो आप इसको आपको वेज डैश में क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। और जब कभी भी आप इसको वेज डैश में क्या करोगे, कन्वर्ट करोगे, तो देखो ये वाला पार्ट और इस आर डैश को, पिछले वाले के जो आर डबल डैश था उसको अपोजिट में रख लें। तो मैंने यहाँ पे आर डबल डैश लिया और यहां से मैंने क्या कर दिया, कुछ इस टाइप से स्टीरियो इसकी ड्रॉ कर दी, आर डैश, ठीक है, ऐसा आप ड्रॉ कर देना। अब देखो ऊपर वाले जो दोनों हैं वो सेम स्टीरियो में आएंगे, अगर सेम स्टीरियो में आएंगे तो देखो एक तो OH के साथ में हाइड्रोजन है और नीचे वाले दोनों एक स्टीरियो में आएंगे, तो ये वाले नीचे वाले जो होंगे वो जनरली वेज में होंगे और ऊपर वाले दोनों कैसे होंगे, डैश में होंगे। इसलिए ये वाला जो OH है वो पिछले वाले सेंटर पे लगा हुआ है और पिछले वाले सेंटर पे लगा हुआ है तो OH डैश पे आ जाएगा, और यहाँ पे जो एमी है ये एमी कैसा आ जाएगा, वेज के ऊपर आ जाएगा। ये आपका क्या होगा, फाइनल प्रोडक्ट होगा। ये कैसा होगा, आपका फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा, जो आपको पेपर में क्या करना है, मार्क कर देना है। अब तो बता दो यार, अब तो बता दो कितने लोगों को ये बात समझ में आई।
ठीक है, बिल्कुल क्रिस्टल क्रिस्टल की तरह क्लियर हो गई होगी। सीधा ये बनाएं और इससे ये बना दें, ये एक ही बात है। ठीक है, पेपर में ये दे रखा तो इससे तो अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता जिंदगी में। अगर ये आ जाए तो इसको ऐसे कन्वर्ट कर देना। ओके, अब ये सिंपल लगने लग गया होगा, बहुत बढ़िया। जब भी सिंपल लगेगा ना तभी कहानियां अपोजिट हो जाएंगे। ठीक है, देखिएगा ये कहानियां तो बहुत तगड़ी हैं इसकी। मैं आपको एक टेबल से समझाता हूँ, टेबल से सारी चीजों को जानिएगा। ठीक है, ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, मैं एक टेबल लिखता हूँ। ठीक है, मैं फिर से आपको एक बात दो चार बातें बताता हूँ। मैंने क्या लिया, मैं एक टेबल बनाता हूँ और उसके बाद में हम लोग कुछ बातों को समझते हैं। ये एक एग्जाम्पल ही दे दूं, एक एग्जाम्पल करके बताएं। ठीक है, एक एग्जाम्पल लिख रहा हूं मैं, जल्दी से उसका प्रोडक्ट बनाइएगा। आर डबल बॉन्ड ओ और इस पोर्शन के ऊपर आपके पास में एम ई लगा हुआ है। सब लोग एक बार प्रोडक्ट ड्रॉ करेंगे इसका, एल डी ए टी एच एफ माइनस 78 डिग्री सेंटीग्रेड। इनोलेट बनाए, कौन सा इनोलेट मेजर बनेगा? एक बार आपका आर जो है वो ई टी है और दूसरे टाइम पे जो आर है आपका वो टी बी यू है। ठीक है, इसके ऊपर जो ए बनेगा आपके जो क्या बनेंगे, पहले इनोलेट बनेंगे, उन इनोलेट के ऊपर आपने क्या डालना है, पी एच सी डबल बॉन्ड ओ एच डाल देना है और फिर जो आपका प्रोडक्ट बी बनेगा उस बी में बताना आपको। ठीक है, जल्दी से एक बार जल्दी से करके देखें, जल्दी से करके देखना। सेवन नंबर स्लाइड में ई इनोलेट तो सेम सिन दे रहा है, प्लीज बता दीजिए एक बार। अच्छा, अभी वही लटके हुए विनय कुमार यादव जी, सेवन स्लाइड के ऊपर। हाँ, सेवंथ ये रहा, क्या बताऊं सेवंथ में। इसे पीछे वाली होगी, ये ई तो दे रहा है, फर्स्ट ऊपर है तो सेकंड नीचे होगा, बताना क्या है इसमें विनय कुमार जी। आपके डाउट ही नहीं समझ पा रहा मैं यहाँ पे, ये डाउट समझनी बहुत जरूरी है। अगर ये समझ में नहीं आएगी तो आगे फिर बर्बादी की तरफ चले जाएंगे हम लोग। ठीक है, चलिए मैं इनोलेट भी आपके सामने लिख देता हूं। ठीक है, इनोलेट भी मैं बना देता हूं और आपको ये बताना कि कौन सा रेशियो ज्यादा होगा कौन सा रेशियो कम होगा। जब तक आप एक बार करके नहीं देखेंगे तब तक पता नहीं चलेगा इसमें, तो एक बार जल्दी से करिए एक बार। ठीक है, जब तक करोगे नहीं तब तक मजा नहीं आएगा इसमें। ओ एल आई दो ही बनेंगे, एल डी आएगा तो इसी प्रोटॉन को पकड़ेगा, बोलो यार यही दोनों बनेंगे। कौन सा मेजर कौन सा माइनर होगा, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, जब कभी भी आर ग्रुप छोटा होगा ईटी टाइप का होगा तो उन केसेस में आपकी हिंड्रेंस ये वाला एमई इसके साथ रहना ज्यादा पसंद करेगा और जब इसके साथ रहना ज्यादा पसंद करेगा तो ई 70 आया था और ये आपके पास में 30% आ गया था, ऐसा ही बोला था। जैसे जैसे आपकी हिंड्रेंस बढ़ी थी तो जी 100% बढ़ गया था और ये आपका जीरो हो गया था। ये शायद तो ये बातें तो शायद आप सब लोगों ने बना ली होंगी। ई टी में ई इनोलेट बनेगा, ईटी में ई नहीं बनेगा, ईटी में ई नहीं बनेगा, हमेशा जेड बनेगा, हमेशा जेड बनेगा। कहां पूछ रहे हो, कोई आप डाउट भेज देना यार, खींच के भेज देना, फोटो खींच के भेज देना, हमेशा हमेशा जेड बनेगा,
सॉरी यहां ई बनेगा जब ई टी होगा, ये वाला अच्छा अभी बता रहे विनीत, ओके अच्छा विनय विनीत अलग अलग हो गए, ओके हाँ ई टी में ई नो लेट बनेगा, सही बात है ओके। अरे यार कहाँ दिमाग जा रखा है, बहुत बढ़िया। आगे बना के देखें, दो ही प्रोडक्ट बनेंगे, बोलो यार दो ही प्रोडक्ट बनेंगे आपके। देखो प्रोडक्ट भी आप जर्नली देखो कुछ नहीं करना है, अगर आपका ई इनोलेट होगा, अगर जेड इनोलेट होगा तो उन कंडीशंस में आपका आर देखो जो बी बनेगा वो कैसा बनेगा, आर इसके ऊपर इस पोर्शन पे डबल बॉन्ड ओ एज इट इज रहेगा ये वाला, इसमें आपको अपोजिट करके लिखना है ठीक है, ध्यान रखना ताकि आपकी स्टीरियो सही हो जाए। ये वाले पीएच को यहाँ पे रखना ऑलवेज, इस वाले पीएच को ऑलवेज यहाँ पे रखना, क्योंकि जितने भी केसेस में हम लोगों ने पीछे पढ़ा है, तो एल्डिहाइड का जो ये वाला ग्रुप था ना, ये एल्डिहाइड का ग्रुप हम लोगों ने कैसा रखा है, राइट रखा है, सॉरी लेफ्ट रखा है, कैसा रखा है लेफ्ट रखा है। तो आप ज्यादा कुछ इसमें छेड़खानी मत करना, इसको राइट पुट कर लेना ताकि आंसर सही आ जाए, वरना और कोई दिक्कत नहीं है ठीक है। देखना यहां से आप क्या करवा दें, इसकी बैकबोन को चला दें कुछ इस टाइप से, ये और ये। जब कैसा इनोलेट होगा, जब आपका जेड इनोलेट होगा तो उस केस में डबल बॉन्ड ओ यहाँ पे एम ई आएगा, और इस पोर्शन के ऊपर आपका क्या आ जाएगा, इस पोर्शन पे एल्डिहाइड वाली पोर्शन पे आपका क्या आएगा, ओएच आ जाएगा, बोलो यार ओएच आएगा। तो यहाँ पे डैश के ऊपर ओएच आ जाएगा और वेज के ऊपर आपका क्या आएगा, एम ई आ जाएगा। निकाल के देखना यही बनेगा और कुछ दूसरा नहीं बनेगा ठीक है। यहाँ पे क्या था आपका, आर था, यहाँ पे आपका क्या था, आर था, गलत लिख दिया मैंने। जेड के केस में ई वन सिन बनता है, बोलो सिन बनता है, और दूसरा जो बनेगा पीएच डबल बॉन्ड ओ आर, यहां पे वेज पे एमी डैश के ऊपर वेज ठीक है। एक बार मेजर ये बनना चाहिए, एक बार मेजर ये बनना चाहिए, बोलो क्या यही बनाया, क्या ऐसे ही प्रोडक्ट आए। हाँ एच ओ एच सेम साइड होगा, बिल्कुल बिल्कुल सुनीत, एच ओ एच सेम साइड होंगे, ये रहा एच और ओ एच, बोलो तो यार यही दो आएंगे, कुछ करने की जरूरत नहीं यार, सिन मारे हैं। देखो जेड दिखाई दे तो सिन बना दे, ऑप्शन मिलेंगे आपको तो चार ठीक है, जेड दिखाई दे तो सिन बना दे, और अगर कैसा ई दिखाई दे तो एन टी बना दे। एन टी से कहने का मतलब क्या है, ये जो ओ एच है और ये जो आपका एम ई है ये दोनों अपोजिट जाएंगे ठीक है। इस केस में ओ एच और जो आपका एम ई है वो सिन जाएंगे, तो ये आपका सिन है और ये आपका कौन सा प्रोडक्ट है, एंटी प्रोडक्ट है ठीक है। समझिएगा कहानियों को, मैं कुछ दो चार बातें और मेरे को बतानी है। लिथियम आगे सारी बर्बादी कर देता है, बर्बाद हो जाता है इस केस में, इसीलिए फिर बोरोन का नंबर आया था ठीक है। समझिएगा, जब कभी भी आपके जी इनोलेट मेजर बन जाए, एक बात फिर से सुनना, बाद में करना सब कुछ छोड़ दो, एक मिनट के लिए छोड़ दो सब कुछ, एक बार बोर्ड पे देखें। अगर कभी भी आपके जी इनोलेट मेजर बन जाए, क्या बन जाए, जी इनोलेट मेजर बन जाए, तो उन कंडीशंस में आपको हमेशा इसके हिसाब से आंसर दे देना है। इसमें जो सिन वाला प्रोडक्ट होगा वो मेजर बन जाएगा, क्यों, क्योंकि इसका जेड इनोलेट बनेगा और जेड इनोलेट बनेगा तो इसका सिन वाला जो प्रोडक्ट होगा वो आपका मेजर बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैं अगर ए बोलता हूं, यहां पे इसको अगर मैं ए बोल देता हूं और इसको अगर मैं बी बोल देता हूं, तो जो आपका ए प्रोडक्ट होगा वो मेजर हो जाएगा ठीक है। लेकिन जब जैसे ही आप किसके ऊपर आते हो, ई इनोलेट के ऊपर आते हो, तो उसकी फितरत बदल जाती है बिल्कुल, क्यों, क्योंकि जो अल्डोल रिएक्शन होती है ना वो रिवर्सिबल होती है। वो कैसी होती है, रिवर्सिबल होती है, और रिवर्सिबल होने की वजह से ऐसा बोला जाता है, ऐसा बोला जाता है कि आपका जो ये वाला ईटी जब आप लेके चलते हो ना, तो चाहे आपका 60 और कितने का 70 का रेशियो आ रहा है,
फिर भी जो मेजर होता है वो भी आपका ए ही मेजर होता है, इसीलिए इसको पढ़ा नहीं जाता है। इनके कंपैरिजन में हम लोग बोरोन को प्रायोरिटी दे देते हैं और लिथियम को भूलने लग जाते हैं। इसलिए याद रखना दोनों के केस में जो मेजर प्रोडक्ट आता है वो कौन सा आएगा, आपका ए वाला प्रोडक्ट ही कैसा होगा, मेजर होगा। मैं कुछ दो चार खट्टी मीठी बातें और बताता हूँ, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। कुछ लोगों के फिर होश उड़ जाएंगे, इतनी मेहनत की है मैंने, इतना समझा और वो बर्बाद हो गया। ठीक है, संयम बनाए रखें दोस्तों, थोड़ी देर में मैं बात बता रहा हूँ आपको, वो बात और सुनना, वो डाटा और सुनना, और उसके बाद आप कुछ प्रिडिक्ट करना। ठीक है, इसीलिए बोरोन का यूज आएगा, हमेशा बोरोन यूज किया जाता है, कभी भी हम लोग इसका यूज नहीं करते हैं, कभी भी हम लोग इसका यूज नहीं करेंगे, लिथियम इनोलेट का यूज नहीं करेंगे, जब कभी भी जिंदगी में ई इनोलेट बनाने होंगे। ठीक है, जरा कहानियों को मैं बताता हूं, जरा बोर्ड पे देखिएगा। अगर मान लीजिए कि आपने क्या लिया R, ये मैं डाटा लिख रहा हूं एक बार, R O नेगेटिव L I पॉजिटिव लिया, और इसके ऊपर आपने ये Z इनोलेट लिया। ठीक है, इस Z इनोलेट के ऊपर आपने H डबल बॉन्ड और PH डाला। समझिएगा, दो मिनट प्रायोरिटी दीजिए चीजों को, उसको छोड़ दीजिए, कोई काम की चीज नहीं है फिलहाल वो अपना पीछे वाला। यहां से आपके दो प्रोडक्ट बनेंगे, अगर आप इस वाले सेंटर को, अगर उस वाले सेंटर को अगर राइट में रखते हो तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस टाइप का बनता हुआ दिखाई देगा, वेज के ऊपर एमी, क्योंकि ये कैसा आपका जी इनोलेट है, और अगर जी इनोलेट है तो जी के केस में सिन प्रोडक्ट बनते हैं, और ये आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पे पीएच आ जाएगा। ठीक है, एक प्रोडक्ट आपके पास में ये वाला बनेगा, और दूसरा कौन सा बनेगा, आर डबल बॉन्ड ओ एंटी वाला बना ले। एक बार वेज के ऊपर हम लोगों ने क्या रख लिया, एमी रख लिया, तो डैश के ऊपर क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा, पीएच। जब आप इसको ऐसे पलट दोगे फिर कहानियां वैसे ही डैश वाली बनने लग जाएंगी। ठीक है, देखिएगा अगर आपके पास में ये दोनों आ रहे हैं तो ये आपका कैसा प्रोडक्ट है, सिन प्रोडक्ट है, और ये आपका कैसा प्रोडक्ट है, एंटी प्रोडक्ट है। ठीक है, ध्यान से समझना कहानियों को। आपने इनिशियली जब आपने इनोलेट प्रिपेयर किया होगा तो ये जो इनोलेट बना होगा वो किसकी वजह से बना होगा, यहाँ पे R ग्रुप कैसा रहा होगा, बोलो यार, Z किसकी वजह से बना होगा, R ग्रुप के बेसिस पे, और उसके उसको R के बेसिस पे हम लोगों ने उस Z जब बनाया था तो उसमें हम लोगों ने एक रेशियो निकाला था, और वो रेशियो बोला था अगर OET होगा तो 95:5 का रेशियो होगा, अपोजिट वाला जो Z बनेगा वो कैसा बनेगा, आपका Z जो बनेगा वो कितना बनना चाहिए था, अगर आपका यहाँ पे OET होगा तो 95% E बनेगा और 5% Z बनेगा। जैसे जैसे यहाँ पे इंडरेंस बढ़ेंगी आपका Z का कंटेंट मेजर बनता चला जाएगा। एक बात सुनना, ठीक है, कुछ भी मत करना, बात सुनना एक बार अच्छे से। अगर मैं यहाँ पे ग्रुप्स कैसे कैसे ले लेता हूँ देखना एक बार, अगर आपका ग्रुप अगर TBU जैसा रहा हो, दूसरा IPR जैसा रहा हो, और ये आपका ग्रुप ET और कैसा रहा हो, हाइड्रोजन जैसा रहा हो, यहाँ पे आपके सीन है और एक आपका कौन सा प्रोडक्ट है, एंटी है, सीन है और आपका प्रोडक्ट एंटी है। अल्डोल रिएक्शन जो होती है वो रिवर्सिबल होती है, अल्डोल रिएक्शन जो होती है वो कैसी होती है, रिवर्सिबल होती है। रिवर्सिबल होने की वजह से जो आपका इनोलेट होगा वो इनोलेट जब रिएक्शन चल रही होती है उस दौरान वो E से Z में कन्वर्ट होने लग जाता है। क्यों, क्योंकि यहां पे रेजोनेंस होगी और रेजोनेंस होने से वो कन्वर्ट होता रहता है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, इसलिए रिवर्सिबल होने की वजह से यहां पे आपकी कंडीशनें जो होती हैं वो कैसी आती हैं, जब आप TBU लेके चलते हो तो ये 99% बनता है और ये 1% बनता है। ठीक है, जब आप IPR लेके चलते हो तो ये 90% बनता है और ये 10% बनता है, एंटी का कंटेंट बढ़ रहा है। इनोलेट कैसा है, जी है, जेड इनोलेट है, फिर भी वो कैसा दे रहा है, एंटी वाला प्रोडक्ट दे रहा है। इसका मतलब रिएक्शन में रिवर्सिबिलिटी होने की वजह से वो पूरा का पूरा सीन ना देके कुछ ना कुछ अमाउंट में एंटी दे रहा है। ऐसे ही जब आप किसकी बात करोगे, ईटी की बात करोगे, तो इसके केस में भी 90:10 का रेशियो आता है, और जब यहाँ पे हाइड्रोजन होता है तब ये हो जाता है 50-50%, ये 50-50% हो जाता है। कमाल, देखो एक बार सोचो इस बात को, इसीलिए आगे बोरोन आएंगे, बोरोन में कोई झिकझिक नहीं है, सीधी सीधी बातें हैं उसमें। ठीक है, समझना मैं क्या बोल रहा हूं, अगर आपके पास इनिशियली जेड था तो जेड से आपका 100% क्या बनना चाहिए था, सिन बनना चाहिए था, लेकिन दोस्तों जरा बोर्ड पे देखना, यहाँ पे ये जो आपको मॉडल मैंने पढ़ाए थे, ये लीजिए ये वाले मॉडल,
वो जर्नली रिएक्शन इस वाले फॉर्म में करता है, लेकिन अनफेवरेबल आपकी कौन सी थी, ये वाली थी। तो जैसे जैसे इस ग्रुप का नेचर बढ़ता है, उस ग्रुप के नेचर के चेंज होने की वजह से कुछ ना कुछ अमाउंट में रिएक्शन इस वाली फॉर्म में भी होने लग जाती हैं, और जब इस वाली फॉर्म में भी रिएक्शन होने लग जाएंगे, इसलिए सिन का और एंटी का जो रेशियो होता है वो वेरी करने लग जाता है। फिर से सुनना, अगर आप इसी मॉडल को प्रीफर करवाओगे तो 100% आपका सिन बनता, क्योंकि ये जेड था, लेकिन हम लोगों ने इसको अनफेवरेबल बोला था इन रिपल्शन की वजह से। और जैसे जैसे आपके इस आर ग्रुप की बल्किनेस घटती जाएगी, मतलब ये अगर बहुत बल्कि नहीं होगा, इसकी बल्किनेस डिक्रीज करती जाएंगी, वैसे वैसे ये मॉडल भी फेवरेबल होने लग जाएगा, इससे भी प्रोडक्ट बनने लग जाएंगे, और जब इससे भी प्रोडक्ट बनने लग जाएंगे तो आपका जो रेशियो होगा ना वो चेंज हो जाएगा। टीबीयू के केस में तो 99:1 का, जैसे जैसे इंटरेंस घट रही है वहां पे, आर की इंटरेंस घट रही है, वैसे वैसे आपका दोनों फॉर्म जो है वो प्रोडक्ट बनाने लग जाएंगे, कहीं से भी प्रोडक्ट बनने लग जाएंगे। अब तो बता दो क्या ये बात समझ में आई। इसका मतलब अगर हिंडर्ड ग्रुप हो रहे होंगे तो उनके केस में आप डायरेक्ट मेजर बनाना सिन, कौन सा बना दोगे, सिन को मेजर बना दोगे। लेकिन एंटी वाले के केस में देखना एक बार, एंटी वाले की कहानी और बताता हूं, ठीक है। एंटी वाले में एक बार और सोचना, अरे जी मतलब जेड, अरे यार वो जी निकल रहा है मेरे मुंह से, जेड 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 इन्होंने, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है, समझना। एक डाटा और बताता हूं आपको, आर, वरना फिर पेपर में गालियां, तो उससे अच्छा अभी गालियां दे लेना एक बार, क्योंकि पेपर में भी फिर गलत हो जाएगा अगर ये बात नहीं आई आपको समझ में। आप सीधी सीधी बात लगा ही नहीं सकते हो कभी जिंदगी में, ऑर्गेनिक में लगती नहीं है वो, और मैं नहीं चाहता हूँ कि आपका क्वेश्चन गलत हो कहीं पे भी, इसलिए मैं सारी बातें आपको बताता हुआ चल रहा हूँ। देखना एक बार, कोई चीज नहीं छोड़ूंगा मैं, समझ लेना, बस दो बार पूछ लेना, चाहे तीन बार पूछ लेना, पूछ जरूर लेना अगर ना आए तो। ये लीजिए, मैंने आपके सामने क्या बना दिया है, ये जो मैंने फिर से प्रोडक्ट बना दिया है। एक बात बताइएगा, यहां पे आपके कौन से इनोलेट बन रहे हैं, ई इनोलेट से हम लोगों ने स्टार्ट किया, ठीक है। रेशियो देखना, एक बात बताना, क्या जिंदगी में कभी भी इस आर ग्रुप के बेसिस पे अगर मैं इनोलेट जनरेट करवाने जाता हूं, और अगर ये आर ग्रुप गलती से टीबीयू फंस जाए, तो क्या कभी ई बना सकता है? बिल्कुल आंसर होंगे ना, क्योंकि अगर यहाँ पे टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप होगा तो बेहतरीन इंटरेक्शंस दिखाएगा और कभी भी ई नहीं बन सकता है। इसका मतलब टीबीयू के केस में तो आपको ई इनोलेट कभी भी जनरेट करवाने नहीं है, ठीक है, इसलिए कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता टीबीयू का इसके केस में, इसलिए डायरेक्ट ये स्टार्ट होता है किससे, आईपीआर से, उसके बाद एथिल से, और उसके बाद हाइड्रोजन से। समझना सारी बातों को, फिर मैं एक साथ कनेक्ट करता हूं, ठीक है। देखना, जब आपका आर ग्रुप क्या था, आइसोप्रोपाइल ग्रुप था, तो एक बार आपके पास में सिन प्रोडक्ट था और दूसरा आपका कौन सा प्रोडक्ट था, एंटी प्रोडक्ट था। देखिएगा, ये सिन है और ये आपका कौन सा है, एंटी है, समझिएगा ध्यान से। अगर आपका कौन सा रहा होगा, आईपीआर ग्रुप रहा होगा, तो जो सिन का जो कंटेंट आता है वो देखो, ये कैसा ई है, ई से कैसा प्रोडक्ट बनना चाहिए था, हमेशा एंटी प्रोडक्ट, मतलब एंटी वाले का कंटेंट कितना आना चाहिए था आपका, हमेशा एंटी वाला ही मेजर आना चाहिए था, लेकिन ये 50-50% हो जाता है, ये 50-50% हो जाता है। और जैसे आप ईटी के केस में आओगे तो ये 40-60 का रेशियो आ जाता है, और जैसे आप किसमें आओगे, हाइड्रोजन पे आओगे, तो 60-40 का रेशियो आ जाता है। समझिएगा कहानियों को, बहुत कमाल ही कहानियां हैं ये। देखना, अगर मैं ऐसा बोलता हूं जी कि मेरे पास में अगर यहाँ पे हिंड्रेंस कम होंगी, अगर यहाँ पे हिंड्रेंस कम होंगी, तो फिर ये सारा का सारा यहाँ पे आ जाना चाहिए, क्योंकि ये ऊपर नहीं जाएगा, फिर ऊपर जाएगा तो 1.3 डायएक्सल इंटरेक्शंस लगाएगा, बोलो यार, तो यहाँ पे पक्का ही नीचे आएगा, एंगल 1.3 स्ट्रेन किसके केस में कम होंगे, आईपीआर के केस में 1.3 स्ट्रेन कम ज्यादा होंगे, और ईटी के केस में कम होंगे, इसलिए ये तो आपका ई वाला मेजर बन गया। लेकिन जब इससे जब आगे आप रिएक्शन करवाने जाओगे इसके साथ में, तो आपके पास में फिर से दो मॉडल थे, कौन से मॉडल थे, ई का केस देखते हैं हम लोग। ई के केस में दो फॉर्म पॉसिबल थी, एक फॉर्म आपकी ये वाली पॉसिबल थी,
दूसरी फॉर्म ये वाली पॉसिबल थी, ये जो आर डैश ग्रुप है, अगर ये आर डैश ग्रुप जितना हल्का होगा, देखो मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि जब आई पी आर था कि बहुत ज्यादा कैसा होगा, हिंडर्ड होगा, और अगर बहुत ज्यादा हिंडर्ड होगा तो उन कंडीशंस में यही बनेगा, और यही बनेगा तो यहां से मेजर बनने लग जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे इस आर ग्रुप की बल्कीनेस घटती जाएगी तो वो इस मॉडल में भी अटैक करवाएगा। बोलो यार, जो आपका एल्डिहाइड का जो आर डबल डैश ग्रुप है, जो भी ग्रुप पीएच दे रखा है, वो अगर इस पोजिशन पे आगे रह पाएगा, अगर आर डैश कैसा होगा, लेस बल्की होगा, इसका मतलब अगर आर डैश अगर लेस बल्कि होगा तो फिर वो इससे भी प्रोडक्ट देगा और इससे भी प्रोडक्ट देगा। इसका प्रोडक्ट तो मैंने आपके सामने निकाल के दिखा दिया, ये सिन है, लेकिन जब आप इसका एंटी है, जब आप इसका प्रोडक्ट निकाल के देखोगे ना, तो वो प्रोडक्ट कैसा आएगा, आपका सिन आएगा, क्योंकि आपको ज्यादा कुछ करने की सोचने की जरूरत ही नहीं है। देखो इसमें यहाँ पे जो आपका OH जनरेट होगा और यहाँ पे जो ME था, वो दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट थे। बोलो यार, OH ME जस्ट अपोजिट थे, इसलिए ट्रांस बन रहे थे, एंटी बन रहे थे। लेकिन यहाँ पे जब रिएक्शन होंगी तो यहाँ पे देखो, इस केस में जो आपका R डैश है, इसको आपको घुमाना पड़ेगा। ये R डैश यहाँ पे नीचे आ रहा है, तो ये OH बनाना, यहाँ पे ME बनाना, ME OH अपोजिट दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अपोजिट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये आर डैश यहां होना चाहिए, तभी अपोजिट देखेंगे, क्योंकि मेरे को प्लेनर बैकबोन में इस ग्रुप के अपोजिट में ये वाला ग्रुप चाहिए। मैंने स्टीरियो में बहुत बार ये बातें सिखाई थी, इसलिए पहले प्रोडक्ट बनाना, और फिर जब 180 किसको, इसको 120 से घुमाएंगे, ये वाला ग्रुप जब ऊपर जाएगा OH नीचे आ जाएगा और ये सिन बन जाएंगे। इसलिए इन कंडीशंस में क्या होगा, सिन वाला भी बनेगा और एंटी वाला भी बनेगा, वो डिपेंड करेगा कि ये आर ग्रुप कैसा है। तो जब आर ग्रुप को वेरी करेंगे तो वैसे वैसे आपके कुछ इस टाइप के प्रोडक्ट, इस रेशियो में आपके प्रोडक्ट बनेंगे। अब बात बताना एक बार, ठीक है, मैंने आपको जो क्वेश्चन दिया, वो मैंने क्वेश्चन क्या दिया है उस पर आइए, एक बार पीछे आइए। पता नहीं कितने लोगों को समझ में आया, कुछ आया क्या समझ में, बता तो दो यार। बहुत तगड़ी बातें बता रहा हूँ, ये बातें बहुत ही तगड़ी हैं, आसान है ही नहीं किसी भी एंगल से, इसीलिए दुनिया इनसे बचती फिरती है। अगर एक बार आ जाएंगे तो जिंदगी भर कमाल ही हो जाएगा। बता तो दो, कुछ पल्ले पड़ा क्या? जो आपका इनोलेट है वो दो टाइप से रिएक्शन करेगा किसी भी एल्डिहाइड के साथ। जब दो टाइप से रिएक्शन करेगा तो दो मॉडल बनेंगे, दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक सिन भी बनेगा और एक एंटी भी बनेगा। वो डिसाइड करेगा ये आर ग्रुप, यहाँ पे लगा हुआ आर ग्रुप डिसाइड करेगा जो इनोलेट में है कि वो कितना परसेंट में बनेगा। ओके, थैंक यू, चलिए आ रही है आपके समझ में, वाह, देखिएगा, ठीक है, समझिएगा। अब देखो, जब आपने इससे एक ऐसे लॉजिक लिया, अब आपके मैथमेटिक्स काम करेगी, ठीक है, मैथमेटिक्स काम करेगी पूरी की पूरी। वो सुनिएगा कैसे, अगर आपने इनिशियली ये अगर कोई भी कंपाउंड दिया है और इसके ऊपर जब आपने एलडीए डाला है, और एलडीए डालने के बाद में जब आपने इनोलेट बनाए होंगे, तो देखो ये 30% इनोलेट बना है और ये 70% इनोलेट बना है। अगर ये 30% इनोलेट बना है तो ये वाला जो होगा आपका जेड वाला होगा वो सिन प्रोडक्ट देगा। बोलो यार, वो सिन देगा। अब यहाँ पे ये वाला कैसा होगा, सिन के साथ में कुछ थोड़ा बहुत एंटी भी देगा, डिपेंड करेगा यहाँ पे आर ग्रुप के ऊपर। ये आर ग्रुप जब TBU होता है तो 100% देगा, और 100% देगा तो फिर यहाँ पे जो आपका स्ट्रेन लगेंगे ना, यहाँ पे जो आपके स्ट्रेन लगेंगे, देखो यहाँ पे अगर TBU को आप पुट करते हो, तो फिर ये आर ग्रुप कभी भी इस पोजीशन पे आ ही नहीं सकता है, और कभी भी जिंदगी में इस पोजीशन पे आ ही नहीं सकता है। इसका मतलब इसके तो सिन वाले प्रोडक्ट क्लियर हो गए, बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गए कि अगर सिन में अगर बड़ा ग्रुप लगा होगा तो उन कंडीशंस में वो सिन वाला प्रोडक्ट मेजर बना देंगे। लेकिन ई की कहानियों में क्या होगा कि जब यहाँ पे लगा हुआ ग्रुप जब छोटा होगा, जैसे ईटी टाइप का जब ग्रुप लगा होगा, तो उन कंडीशंस में वो सिन भी देगा और वो एंटी भी देगा। ऐसे ये वाला भी सिन भी देगा और एंटी भी देगा, लेकिन इसका जो सिन और एंटी वाला होता है
उसमें एंटी वाले के करेक्टर्स जो होते हैं वो थोड़े से स्लाइटली ज्यादा होंगे, लेकिन सिन वाले के करेक्टर भी होंगे। तो इसका सिन प्लस इसका सिन, जब टोटल सिन का हम लोग बात करेंगे तो वो सिन बाजी मार जाता है ईटी के केस में, इसलिए ए ही इसके केस में मेजर आता है। इसके केस में भी ए ही मेजर आता है, कौन सा मेजर नहीं आता आपका, बी मेजर नहीं आ पाता है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा अगर आप कोई भी इसी यही इनकी नाकामी थी लिथियम इलोनेट की, इसलिए इसको छोड़ के हम लोगों ने फिर बोरोन इलोनेट को पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। एक एक जवाब दे दें क्या आपको ये बात समझ में आई, ठीक है। इसलिए मर जाना जिंदगी में कभी भी जिंदगी में क्या जनरेट नहीं करवाना है, अगर एंटी इनोलेट आ जाए और वो भी लिथियम का तो भी प्रोडक्ट सिन का ही बनाना, तो भी प्रोडक्ट सिन का बनाना, केवल ओईटी को छोड़ के एस्टर वाले मैं अलग से सिखाऊंगा, फिर केवल एस्टर वालों को छोड़ के अगर किसी भी कीटोन का, किसी भी कीटोन का अगर इनोलेट ई जनरेट हो जाए तो प्रोडक्ट ऑलवेज सिन बना के आना, प्रोडक्ट ऑलवेज सिन बना के आना, सिन ही मेजर होगा। ठीक है, बिल्कुल, चलें आगे, शायद क्लियर हो गया होगा। एक क्वेश्चन मैं देता हूं आप सब लोग करके बताना, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं देता हूं आपको, आप सब लोग करके बताएंगे। है ही नहीं, समस्या ही नहीं है, देखना बहुत इजी चलेंगी चीजें, कुछ है ही नहीं इनमें। क्या प्रोडक्ट बनेगा जल्दी से बना के बताएं एक बार, क्या प्रोडक्ट बनेगा, सिन बनेगा एंटी बनेगा, बताएं एक बार, दोबारा देख लेना, पूरा कंसेंट्रेट हो गया, अगर कहीं पे भी किसी भी पोर्शन के ऊपर आपको लगा तो पक्का दोबारा चेक कर लेना एक बार चीजों को, बहुत जरूरी है ये। बोरोन इनोलेट्स को नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे फिर हम लोग, ये क्वेश्चन बता दीजिए आप एक बार। कम कम सिन बनेगा, जवाब सुंदर है, बिल्कुल सही बात है, बस हो गया खेला, इतना ही था बस, सिन बनेगा बस। यस, विनय कुमार यादव सही जवाब है, और सब लोग चेक कर डाले। देखिएगा अब आपके कमेंट्स मेरे दिखाई नहीं देंगे भाई, क्योंकि फोन जो जिसमें चल रहे थे आपके कमेंट हो चुका है, स्विच ऑफ हो चुका है, ठीक है। तो मैं आपको समझा दे रहा हूँ, ठीक है, अगर ऐसा बना हो तो कमाल की बात हो जाएगी, ठीक है। देखना, इस पोर्शन के ऊपर आपका हाइड्रोजन था, एलडी का नेगेटिव चार्ज आया, प्रोटोन को पकड़ा, आगे बढ़ा, लिथियम इनोलेट बना दें। अब देखो यहाँ पे जो लिथियम इनोलेट बनेगा ये कैसा आपका बल्की सब्सटेंट है, जैसा टर्शियरी ब्यूटाइल होता है वैसा ही है, इसके ऊपर तो क्या लगा हुआ है, टेट्रा ट्राई मिथाइल सिलाइल ग्रुप लगा हुआ है, ऐसा ही एम थ्री लगा हुआ, टीएमएस का मतलब ऐसा ही एम थ्री लगा हुआ, बहुत बल्की है, इसका मतलब ये पूरा का पूरा बल्की सब्सटेंट है, टीबीयू की तरह है। अगर ये बल्की होगा तो यहां से जो इनोलेट जनरेट होंगे जो ओ एल आई, और यहाँ पे जो इनोलेट जनरेट होगा पक्का जी इनोलेट जनरेट होगा, जेड इनोलेट जनरेट होगा, बोलो यार
कौन सा जनरेट होगा? जेड इनोलेट। इस पोर्शन पे एम ई आ जाएगा और यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा। अगर जेड इनोलेट से जो प्रोडक्ट बनते हैं वो जनरली कौन से मेजर होते हैं? सिन वाले प्रोडक्ट मेजर होंगे, क्योंकि ये कैसा है? जेड है। जब आप इसके ऊपर क्या डालोगे? एल्डिहाइड डालोगे, सी डबल बॉन्ड ओ आर एच डाल दोगे। तो उन कंडीशंस में आप क्या करना, सिंपली एक सर्कल ड्रॉ करना, ठीक है? उस सर्कल में इसको बैठा देना। जब इसको बैठाओगे तो ये मान लीजिए कि डबल बॉन्ड था, इसका ओ एल आई यहां पे पुट कर दो, इसका टर्सरी ब्यूटाइल टाइप का जो ग्रुप दिखाई दे रहा है ओ एस आई एम ई थ्री यहां पे पुट कर दो, इस पोर्शन के ऊपर हाइड्रोजन चिपका देना। वहां पेपर में इजी हो जाएगा क्योंकि आपको ऑप्शन दिख जाएगा, ठीक है? अब ये ओ एल आई एम ई सेम साइड था, यहां पे एम ई चिपका दें। अब आपको क्या पुट करना है जी? ये वाला ग्रुप पुट करना है। तो इस पोर्शन के ऊपर आप ऑक्सीजन पुट कर देना। अब देखो आर ग्रुप इसे पक्का अवे लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि ये हिंड्रेंस देगा, और अगर हिंड्रेंस देगा तो यहाँ आर आ ही नहीं सकता, तो फिर आपका आर यहाँ पे आ जाएगा, हाइड्रोजन को यहाँ पे चिपका देना, रिएक्शन करवा देना, नेगेटिव बढ़ाए, आगे चलाए, आगे चला दें। जैसे आगे बढ़ेगी रिएक्शन तो आपका जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा वो आ जाएगा कुछ इस टाइप से, डबल बॉन्ड ओ और यहाँ पे ये ओ एस आई एम ई थ्री, और इस पोर्शन के ऊपर आपका एम ई चला जाएगा, इस पोर्शन के ऊपर हाइड्रोजन आ जाएगा। ये एज इट इज होगा। पिछले वाले सेंटर के ऊपर कैसा जाएगा देखिएगा, पिछले वाले सेंटर पे यहाँ पे ओ एच जनरेट हो जाएगा, इस पोर्शन के ऊपर आर आ जाएगा, और नीचे कौन पड़ा हुआ था? हाइड्रोजन पड़ा हुआ था। आपको इस आर के रेफरेंस में इस ग्रुप को रखना है। इसका मतलब ये पूरा का पूरा सिस्टम एंटी है, और अगर एंटी है तो एम ई और ओ एच सेम स्टीरियो में आएंगे। इसका मतलब यहाँ पे आर रखना, ये कुछ इस टाइप से बना देना डबल बॉन्ड ओ, ये लीजिए एस आई एम ई थ्री ऑक्सीजन बना दिया। यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा देखो, इससे लगता हुआ ग्रुप जो है आपका एम ई है। देखो आपने को ने बोला था ये सेम स्टीरियो में जाएंगे, और सेम स्टीरियो में भी ऑलवेज डैश बना देना, ऑलवेज डैश बना देना, कभी गलत होगा ही नहीं। इसका मतलब डैश के ऊपर कौन आएगा? एम ई, और यहाँ पे डैश के ऊपर आ जाएगा ओ एच। क्या तो रिएक्शन में आपको प्रोडक्ट ये वाला गिवन होगा, या फिर देखो कुछ नहीं करेगा, इसको जस्ट उल्टा घुमा देगा, इसको ऐसे पकड़ के ऐसे रख देगा। जब इसको पकड़ के उल्टी साइड में रखेगा तो उन कंडीशंस में इनके स्टीरियो दोनों की क्या हो जाएगी? वेज हो जाएगी। होंगे वो कैसे? सिन ही होंगे। वो होंगे कैसे? सिन। तो आपका सिन वाला प्रोडक्ट, अगर ये वाला पूरा का पूरा ग्रुप अगर आपका कैसा रहा हो, इस साइड रहा हो, तो उन कंडीशंस में वो सिन हो जाएगा, ठीक है? तो चेक कर लेना, ये सारी कहानियां थी। यहां तक क्या आपको सारी कहानियां समझ में आई? क्या आपको सारी कहानियां समझ में आई? मेरे पास फोन नहीं है कुछ भी, एक मिनट रुकना। गायब है सब कुछ, ठीक है? तो शायद आपको समझ में आ गया होगा, शायद कोई दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक है? फिर से एक बार रिपीट करके देख लेना। इसमें थोड़ा सा झोल मचता है लास्ट में, इस वाले एग्जांपल में आगे झोल हो जाता है, और वो सिंपल सा जो डिफरेंट बात आती है वो केवल ईटी के इस वाले केस में आती है, ठीक है? वरना बिल्कुल कहानियां सो सिंपल है। अगर कभी भी टीबीयू टाइप का ग्रुप रहा होगा तो उन कंडीशन में आप 100% इनोलेट वगैरह बना के रिएक्शन करवा लेना, ठीक है? ये हमेशा सिन वाला प्रोडक्ट, सिन में तो मेजर बन ही जाएगा। इसके अलावा बस एक ही जगह दिक्कत आएगी आपको जिंदगी में अगर आएगी, और वो भी लिथियम का ई इनोलेट, इसमें लिथियम के ई इनोलेट में दिक्कत आ सकती है बस। उसके अलावा जिंदगी में कहीं पे भी दिक्कतें नहीं आएंगी, ठीक है? उसमें इसीलिए लिथियम का कभी भी ई इनोलेट नहीं बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि उसके केस में सेलेक्टिविटी नहीं आती है, वो सिन वाला प्रोडक्ट ही मेजर दे देता है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, उसको चेंज कर लेंगे, उसको उसकी जगह हम लोग बोरोन इनोलेट को पढ़ लेंगे, कभी भी अगर हमें इनोलेट जनरेट करवाने होंगे। वो मैं अगली क्लास में सिखाऊंगा आपको सारे के सारे पूरी डिटेल में।
ओके थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। कुछ कमेंट नहीं आ रहा अभी मेरे पास में, दिखाई नहीं दे रहा मेरा कुछ भी। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे फिर से, तब तक के लिए धन्यवाद। आपसे मिलके अच्छा लगा, शायद आप लोगों ने कुछ चीज़ें नहीं जानी होंगी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। Thank you.